आज हम कायदे आजम के बारे में बात करेंगे, द रियल कायदे आजम, जो असल कायदे आजम है, कि जो मुसलमानों की 200 साल तारीख में एक अजीम तरीन सियासी रहनुमा, मुसलमानों के मोहसिन, जिन्होंने जिनको अल्लाह सुबहान व तआला ने एक तोहफा बनाकर उम्मत मुस्लिमा के लिए भेजा। इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि टीपू सुल्तान के बाद कायदे आजम से ज्यादा अजीम तरीन रहनुमा आज तक मुसलमान दुनिया ने नहीं देखा। टीपू सुल्तान जिस विजन के, जिस फिरासत के, जिस बरकत और नूर और खैर वाले वजूद थे, जिन्होंने उस वक्त पूरी मुसलमान सल्तनत को संभालने की कोशिश की, मुसलमानों के दाखिली दिफा किया, फॉरेन पॉलिसी मुरतब की, उस वक्त मुसलमानों को यकजा करने की कोशिश की और उस वक्त की जदीद आलम ताकतों से राबते कायम किए कि अंग्रेज इस्तेमार को रोक सके, लेकिन टीपू सुल्तान मुसलमानों के जवाल के दौर में पैदा हुए और शहादत की जिंदगी पाकर अपनी सल्तनत खो बैठे। लेकिन जो किरदार, जो जुर्रत, जो दलेरी, जो विजन मुसलमानों में जो रेयर था उस दौर में, कि जब मुसलमान अपने जवाल के दौर से गुजर रहे थे, पूरी मुसलमान दुनिया में टीपू सुल्तान जैसा शहसवार हमें नजर नहीं आता। उनका टकराव भी अंग्रेजों से हुआ और 1799 में टीपू सुल्तान के इंतकाल के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा में कोई मुसलमान क्यादत, सियासी क्यादत ऐसी पैदा नहीं हुई जो मुसलमानों को यकजा करके रीऑर्गेनाइज कर सके। और वो जवाल जो टीपू सुल्तान की शहादत के बाद मुकम्मल तौर पर सील हो गया था, मुसलमानों की तकदीर लिख दी गई थी कि अब इन्होंने तवील अरसे तक अंग्रेजों का गुलाम बनकर रहना है, उस गुलामी से निकालने के लिए जिस पाए का वजूद चाहिए था, जो किरदार, जो जुरत, जो दलेरी, जो शुजात, जो फिरासत, जो निकाह बुलंद, जो सुखम दल नवाब, जो पुरसोज चाहिए था, अल्लाह ने इस वजूद को जो हमारे दरमियान भेजा, उनको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं। हमारे तालीमी निजाम से, हमारी सकाफत से, हमारी तहजीब से, हमारे माशरे से बिल्कुल गायब कर दिया गया। इसी तरह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के असल वजूद को भी छुपा दिया गया। मकसद यह था कि इस कौम से अल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी ले ली जाए और उस आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो शाहीन अल्लाह ने भेजा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उसको इतना कंफ्यूज कर दिया जाए कि आने वाली नस्लों को मालूम ही ना हो कि कायदे आजम चाहते क्या थे। इस पाकिस्तान को बनाने वाले अल्लाह ताला ने जिसको वसीला इस्तेमाल किया, जो निगाह बुलंद, जो फिरासत, जो विजन, जो विजडम अल्लामा इकबाल ने दिया, उसको इंप्लीमेंट करने वाला मुजाहिद कायदे आजम, उनके बारे में नाउज़ु बिल्लाह ऐसी ऐसी खुराफात और झूठ फैलाए जाते हैं कि आज 63 साल गुजरने के बाद भी हमारी नस्लें ये पूछती हैं कि कायदे आजम क्या मुसलमान भी थे कि नहीं, कायदे आजम सेक्युलर थे या इस्लाम पर यकीन रखते थे, कायदे आजम रियासत और मजहब को अलग अलग करना चाहते थे या एक इस्लामी रियासत कायम करना चाहते थे, कायदे आजम एक बाकिरदार मुसलमान थे या नाउज़ु बिल्लाह एक बदकार, करप्ट और इनकॉम्पिटेंट आदमी थे। आज भी पाकिस्तान के मीडिया में आपको लोग ये रोज नजर आते हैं, ऐसे मीर जाफर और मीर सादिक, ऐसे नापाक और पलीत लोग जिनको मिशन यह दिया गया है कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को कंफ्यूज करें, पाकिस्तान की आइडेंटिटी को कंफ्यूज करें, पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स के बारे में ऐसा झूठ फैलाएं कि आने वाली नस्लों को अंदाजा ही ना हो कि हमारे बड़े, हम जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उन्होंने किस लिए बनाया था, उनका किरदार क्या था। आज तक किसी को कायदे आजम का असल चेहरा दिखाया ही नहीं जाता, कंफ्यूजन फैला दी जाती।
आज हम उस तमाम झूठ, उस फ्रॉड, उस फसाद का पर्दाचाक करेंगे इंशाअल्लाह जो कायद आजम के हवाले से बोला जाता है। आज हम आपको असल कायद आजम दिखाएंगे, द रियल कायद आजम, जो वाकई मुसलमानों के कायद आजम थे, द ग्रेट लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। और हम फिर ये बात रिपीट करते हैं कि कायद आजम टीपू सुल्तान के बाद से लेकर कायद आजम वो वाहिद वजूद थे, और आज तक पूरी मुस्लिम दुनिया में इस पाए का कोई लीडर पैदा ही नहीं हो सका। बल्कि मुस्लिम दुनिया से बढ़कर हम बात करेंगे कि अपने वक्त में तो उस वक्त पूरी दुनिया में कायद आजम के पाए का कोई लीडर मौजूद नहीं था। कायद आजम को समझने के लिए आपको सबसे पहले वो ताल्लुक समझना पड़ेगा कि जो कायद आजम और अल्लामा इकबाल के दरमियान था, क्योंकि कायद आजम को बनाने वाले, उनको तैयार करने वाले, उनको तराशने वाले, उनको चमकाने वाले, उनमें वो नूर और वो तड़प और वो इश्क और वो जुनून भरने वाले अल्लामा इकबाल थे। ये मुमकिन नहीं है कि आप कायद आजम और अल्लामा इकबाल को अलग अलग कर सकें, जिस तरह जसवंत सिंह ने कोशिश की है भी अपनी किताब में यह साबित करने के लिए कि कायद आजम तो बहुत आला लीडर थे मगर सेकुलर थे, उनका अल्लामा इकबाल से कोई ताल्लुक नहीं था, आइडियोलॉजी तो मैटर ही नहीं करती थी और कायद आजम एक सेकुलर रियासत बनाना चाहते थे। ये सारी खुराफात हम हिंदू ज़ायनिस्ट से तवक्को कर सकते हैं। और हमारे मुल्क में भी आप देखें कि जिस तरह उसको और उसकी किताब को पजीराई देने की कोशिश की गई ताकि इस मजीद इस झूठ को तकवीत दी जाए कि कायद आजम एक सेकुलर, और सेकुलर की एक डेफिनेशन एथीस्ट भी होती है, मुल्हिद लादीन। ना तो कायद आजम जाती तौर पर मुल्हिद लादीन थे नाउज़ुबिल्लाह, और ना ही वो सेकुलरिज्म के उस तसव्वुर पर यकीन रखते थे कि मजहब और सियासत अलग अलग होनी चाहिए। वो एक खालिसतन एक इस्लामिक शरीयत पर जिसकी बुनियाद हो, कुरान और सुन्नत पर जिसकी बुनियाद हो, वो रियासत कायम करना चाहते थे पाकिस्तान में, और सिर्फ पाकिस्तान को एक नेशनल एंटिटी के तौर पर नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की क्यादत देने के लिए एक पैन इस्लामिक विजन के साथ, जो एग्जैक्टली अल्लामा इकबाल का विजन था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। इस सारे विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए जिस मकसद को इन्होंने हासिल किया, और ये खुद वो अपने गुफ्तगू में अपनी तकरीरों में कह चुके हैं कि पाकिस्तान हासिल करना मकसूद नहीं था, पाकिस्तान को हासिल करकर हमने किसी और मकसद की तरफ जाना है, एक ऐसी इस्लामी मिसाली रियासत बनानी है जिसकी बुनियादें कुरान और सुन्नत में हो। हम आपको हवाले देंगे, वो रेफरेंसेस देंगे जो हमारी तारीख से गायब कर दिए गए, जो कभी सुनाए नहीं जाते। जो बात हम आपसे पहले कर रहे थे कि अगर आप कायद आजम को समझना चाहते हैं तो पहले आप उनका वो ताल्लुक समझिए जो अल्लामा इकबाल के साथ था, क्योंकि तारीख का पसमंजर फिर वहीं शुरू होता है। कायद आजम और अल्लामा इकबाल तकरीबन हम असर हैं, कंटेम्प्रेरीज, एक ही पीरियड में पैदा हुए ऑलमोस्ट, उनके पैदाइश भी एक दो साल आगे पीछे ही है, और इंतकाल अल्लामा इकबाल 1938 में करते हैं और कायद आजम 1948 में। मगर इन दोनों की दोस्ती बहुत देर से शुरू हुई, यानी कायद आजम के बारे में तो ये बात आप जानते हैं कि जब वो पढ़ने के लिए विलायत तशरीफ ले गए तो सबसे पहले लिंकन्स इन में जो बैरिस्ट्री के लिए उन्होंने दाखिला लिया, उस वक्त भी कायद आजम के वजूद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और ताल्लुक अपने उरूज पर थी। और यह बात तारीख में रिकॉर्डेड है कि आपने लिंकन्स इन में दाखिला ही सिर्फ इसलिए लिया कि लिंकन्स इन के दरवाजे पर लिखा हुआ है कि दुनिया के सबसे बड़े कानून देने वाले अल्लाह के रसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस वजह से कायद आजम फरमाते हैं कि मैंने लिंकन्स इन में दाखिला लिया कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का एतराफ किया है। अब ये बताइए कि ये बात एक नौजवान जो सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए पहली दफा इंडिया से बाहर निकल के विलायत जाता है और वो क्राइटेरिया सिर्फ ये रखता है अपनी यूनिवर्सिटी में दाखिले का कि उसने अल्लाह के रसूल की इज्जत की है, तो क्या वो शख्स मुल्हिद और लादीन या सेकुलर हो सकता है? कायद आजम की उस जिंदगी को अगर आप उस वक्त देखिए तो उसमें भी हमको बहुत सारे अद्वार नजर आते हैं। एक प्रोग्रेसिव फेज है कायद आजम का, हमें कोई टीचर नजर नहीं आता उस दौर में, कोई ऐसा टीचर जो उनको आइडियोलॉजी के हवाले से, ऐसा टीचर जो उनको विजन के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से कोई बहुत बड़ा विजन दे सके। कायद आजम शुरू में नेशनलिस्ट थे इस तरह, और ये प्रोग्रेशन हर इंसान के सियासी किरदार में उसके कैरियर में होती है, इसमें कोई परेशानी हैरानी की बात नहीं है। अल्लामा इकबाल ने भी अपने शुरू में जब 1900 के तकरीबन आसपास उन्होंने वो नज़में कही हैं जिनका ताल्लुक इंडियन नेशनलिज्म से था, ऐ हमाला ऐ फसीले किश्वरे हिंदुस्तान चूमता है जिसकी पेशानी को झुक के आसमां, और ये कि हिंदुस्तान के हवाले से जो उन्होंने बातें कही हैं जो आज भी हिंदुस्तान में बड़े शौक से वो नज़में पढ़ी जाती हैं जो इंडियन नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करती हैं। उस जमाने में अल्लामा इकबाल की शायरी भी डेवलप हो रही थी। एक इसी तरीके से कायद आजम, उस वक्त कायद आजम नहीं थे आप, मोहम्मद अली जिन्ना थे,
तो मोहम्मद अली जिन्ना भी प्रोग्रेसिवली एक बैरिस्टर जब बनकर आते हैं तो इंडियन पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं, सबसे पहले कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, बड़ा तवील अरसा कांग्रेस के साथ रहे इंडियन नेशनलिस्ट के तौर पे कि इस वक्त अंग्रेजों को निकालना चाहिए, हिंदू मुसलमान यूनिटी के तौर पर हम इकट्ठे रह सकते हैं। इस सारे कॉन्सेप्ट को जो एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, इसको कायद आजम या मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त बहुत तवील अरसे तक अपने साथ लेकर चलते हैं। ये बहुत अरसे की बात है, 1916-1918 के आसपास की बात है जाके कि जब मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस से अपने आप को अलग करते हैं, मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं। उस वक्त भी मुस्लिम लीग में धड़े बने होते हैं, मुस्लिम लीग कंफ्यूज होती है। यानी 1928 तक तो एक्चुअली ये हाल होता है कि कायदे आजम यानी मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त मुस्लिम लीग के एक ग्रुप में होते हैं और अल्लामा इकबाल दूसरे ग्रुप में होते हैं। आपस में इख्तलाफात भी इनके हैं सियासी तौर पर, लेकिन यही वो पीरियड होता है अगर आप याद करें कि अल्लामा इकबाल अपनी बेहतरीन शायरी करके उस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा में आग लगा रहे होते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को यकजा कर रहे होते हैं, और दोनों बुजुर्ग दोनों लीडर्स एक दीनी रूहानी सियासी शायर फलसफी दानश्वर विजनरी आइडियोलॉग मुफस्सिर इसके तौर पर ये सामने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक मुसलमानों का एक पॉलिटिकल लीडर इवॉल्व कर रहा है मोहम्मद अली जिन्ना। 1920 तक दोनों अपने वजूद अपने स्टैचर पे बहुत अच्छी तरह कायम हो चुके होते हैं, इंडिया के मुसलमानों को नजर आ चुका होता है दो वजूद यहां खड़े हुए हैं कि जो मुसलमानों के लिए आइंदा आने वाले वक्तों में बहुत गहरा किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इनमें इख्तिलाफ है। और इसी बात से देखिए अंदाजा कीजिए कि कायद आजम या हम फिर कहेंगे मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि उस वक्त वो कायद आजम नहीं बने थे, मोहम्मद अली जिन्ना अभी अपनी सियासी प्रोग्रेस से गुजर रहे हैं। आप में वो दौर इतना कंफ्यूजन का था मुसलमानों के लिए, जरा हालात देखिए वाकयात देखिए, अंग्रेजों की हुकूमत कायम है, 1857 के बाद से मुसलमानों को तबाह बर्बाद करके रख दिया गया है, मुसलमानों के पास कोई सियासी फौजी मजहबी ताकत नहीं है, कोई इकोनॉमिक ताकत नहीं है, इकोनॉमी में मुसलमानों का बिल्कुल बेड़ा गर्क था। उस कैफियत में जब बिल्कुल अंधेरा हो, कोई लीडर ही एग्जिस्ट ना करता हो, कोई फिक्र सोच ना हो, मुसलमान ये ख्वाब भी ना देख सकते हो कि कभी आजादी हासिल कर सकेंगे, उस वक्त हजारों ऑप्शन डिस्कस किए जा रहे थे, कहीं खिलाफत मूवमेंट चलाई जा रही थी, कहीं तर्के मवालात था कि अंग्रेजों से बिल्कुल हर चीज छोड़ छाड़ के हिजरत कर, हिजरत मूवमेंट चल पड़ी कि हिंदुस्तान छोड़ के अफगानिस्तान चले जाओ, डेस्परेशन का ऐसा आलम था कि मुसलमानों को समझ ही नहीं आ रहा था हम जाएं किस तरफ। ए खासा ए खासा ने रसूल वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी अजब वक्त पड़ा है, ये जो मुसद्दस हाल ही में वो अपनी दुख से दरख्वास्त पेश करते हैं। अल्लामा इकबाल पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड जो है असरार खुदी रमूज बेखुदी लिखने पर सर्व कर रहे हैं, जिसका कोई ताल्लुक इंडिया की पॉलिटिक्स से नहीं है, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं कि जो आइंदा आने वाली कौमी नस्लें इनको पढ़कर एक उम्मत की बुनियाद रखेंगी। उस वक्त इकबाल अपनी शायरी से कौम को हिदायत और नसीहत कर रहे हैं, खुशखबरियां दे रहे हैं, आया है कि सबक फिर पर सदाकत का अदालत का शुजात का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये सारी बातें 1928 से पहले पहले इकबाल कर रहे हैं, और यकीन कीजिए दीवाने की बड़ लगती थी, फौरन यकीन करेगा इस बात को कि सब कुछ होने वाला है। लेकिन 1928-29 के आसपास तक मुस्लिम लीग के धड़े इकट्ठे हो जाते हैं, दे यूनाइट, और अब यहां पर इस मौके पर कायदे आजम और अल्लामा इकबाल एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। ये कायदे आजम ही होते हैं जो ये प्रपोज करते हैं कि 1930 में इलाहाबाद का जो एड्रेस होगा, इलाहाबाद का जो मुस्लिम लीग का कन्वेंशन होगा, उसकी सदारत हम अल्लामा इकबाल से करवाएंगे, जहां पर अल्लामा इकबाल अपना वो मशहूर इलाहाबाद एड्रेस करते हैं, वो खिताब करते हैं, जिसमें पहली मरतबा अल्लामा इकबाल वो विजन देते हैं कि हिंदुस्तान को तकसीम कर मुसलमानों की अलग रियासत बनाई जाए। पाकिस्तान की बुनियाद का नजरिया फिक्र सोच पहली मरतबा 1930 में जो अल्लामा इकबाल जिस इजलास में देते हैं, उस इजलास में कायदे आजम और अल्लामा इकबाल एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि आने वाले वक्तों में एक दूसरे के लिए चट्टान की हैसियत से, एक दूसरे के साथी हमराज की हैसियत से, आइडियोलॉग थिंकर मुफस्सिर की हैसियत से, इकबाल आइडियोलॉग है और उसके एग्जीक्यूशनर, उस मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए जिस वजूद को सिलेक्ट किया जाता है इकबाल की तरफ से, वो कायदे आजम है। एक मरतबा अल्लामा इकबाल के यहां एक महफिल हो रही थी, ये तकरीबन 1932 का जिक्र है, उसमें अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मिस्टर जिन्ना को खुदा ताला ने एक ऐसी खूबी अता की है जो आज हिंदुस्तान के किसी मुसलमान में मुझे नजर नहीं आती। हाजरीन में से किसी ने पूछा कि वो खूबी क्या है, तो आपने अंग्रेजी में कहा ही इज अनकरप्टेबल एंड अनपरचेजेबल, यानी ना तो उसको करप्ट किया जा सकता है, ना वो खयानत कर सकता है, ना कभी वो बेचा खरीदा जा सकता है। और ये मामला अगर आप नोट कीजिए कि कायदे आजम का उस वक्त तक हाल यह हो चुका था, इस बात के बावजूद कि तमाम अल्लामा इकबाल की शायरी मुसलमानों में आग लगा रही थी, उनको बेदार कर रही थी,
लेकिन इतनी डिप्रेशन थी, इस कदर हालात खराब और नाजुक थे उस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों के, कि अल्लाहाबाद के एड्रेस में जो बातें अल्लामा इकबाल ने कही वो दुनिया उसको मानने पर आमादा नहीं थी, खुद मोहम्मद अली जिन्ना उसको मानने पर आमादा नहीं थे। और आपको याद होगा कि 1930 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना, हम फिर कह रहे हैं इस वक्त वो कायद आजम नहीं बने थे, मोहम्मद अली जिन्ना छोड़कर हिंदुस्तान विलायत चले जाते हैं और वहां आबाद हो जाते हैं कि अब मैं हिंदुस्तान की सियासत में दखल नहीं दूंगा। अल्लामा इकबाल उनके पीछे विलायत जाते हैं, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और वहां पे कायद आजम को भी इन्वाइट किया जाता है, अल्लामा इकबाल भी जाते हैं, और बहुत ज्यादा मौका मिलता है अल्लामा इकबाल को कायद आजम पर काम करने का। वो उनको वो सारा प्लान बताते हैं, वो विजन बताते हैं, वो फिक्र वो सोच देते हैं, जो पैन इस्लामिक विजन अल्लामा इकबाल का है, जो अल्लामा इकबाल नील के साहिल से लेकर ताबा खा के काशगर एक इस्लामी रियासत बनाना चाहते हैं, वो सारी फिक्र और सोच उंडेल दी जाती है कायद आजम के वजूद में। और कायद आजम को आप मजबूर करता या उस वक्त हिंदुस्तान तशरीफ लाइए और मुसलमानों की क्यादत को संभालिए। अब जो कायद आजम वहां से वापस आते हैं वो एक ट्रांसफॉर्म वजूद है। वो उनका सारा सियासी सफर जो पहले कांग्रेस से शुरू होता है, एक इंडियन नेशनलिस्ट के तौर पे, शुरू में वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह सकते हैं, उसके बाद वो मुस्लिम लीग भी उन्होंने बना ली, तो फिर आजादी का कोई तसव्वुर कायद आजम के पास नहीं था उस वक्त। आजादी का तसव्वुर तो अल्लामा इकबाल का दिया हुआ है खुतबा इलाहाबाद के बाद। कायद आजम में एक कमाल की बात यह थी कि ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट जीनियस ऑफ द टाइम। एक सियासी तौर पे जो उनका विजन था, जो फिक्र थी, जो सोच थी, और जो बेसिक एट्रीब्यूट अल्लामा इकबाल ने उनके बताया कि ना तो उनको खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, ना करप्ट किया जा सकता है, एक चट्टान की तरह जो मर्जी प्रेशर दुनिया को उन पर डाल दिया जाए ये शख्स अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अल्लामा इकबाल जब ये कह रहे हैं कि मुझे हिंदुस्तान के किसी वजूद में, किसी लीडर में ये क्वालिटीज नजर नहीं आती, तो फिर आप अल्लामा इकबाल का पहले तो साइज का अंदाजा कीजिए। और जब अल्लामा इकबाल मोहम्मद अली जिन्ना को इस काम के लिए सिलेक्ट करते हैं तो उससे मोहम्मद अली जिन्ना के साइज का अंदाजा कीजिए कि क्या कमाल का वजूद, किस कमाल के वजूद को सिलेक्ट कर रहा है कि उम्मत की क्यादत करने के लिए जो फिक्र जो सोच अल्लाह ताला ने अल्लामा इकबाल को दी है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो शाहीन सेलेक्ट किया गया है उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। लेकिन फिर भी, और एक बड़ी दिलचस्प बात हम आपको बताएं, एक तवील खतो किताबत होती है कायद आजम और अल्लामा इकबाल के दौरान जो बरसों चलती है। आज वो सारी खतो किताबत ऑन रिकॉर्ड भी है, अवेलेबल भी है, डॉक्यूमेंटेड भी है। और एक हैरतअंगेज बात जो हमको उस खतो किताबत में नजर आती है कि इतनी तफसील से अल्लामा इकबाल कायद आजम को गाइड करते हैं और लीड करते हैं, लिटरली लगता यह है कि जैसे कायद आजम की उंगली पकड़कर चलाया जा रहा है, एक एक बात की हिदायत कि किस हद तक, ये तक उनको बताना कि किस शहर में इजलास किया जाए, जाके कौन कौन सी पॉलिसीज को इख्तियार किया जाए, किस शख्स को अपने से दूर किया जाए, अंग्रेजों की कौन सी साजिश ऐसी है जो मुश्किलात पैदा करेगी, कौन सा अंग्रेजों ने जो प्रपोजल दिया इसको कबूल किया जा सकता है, मुस्लिम लीग की क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, कहां पर मुस्लिम लीग मार खाएगी, कौन सी मुस्लिम लीग की स्ट्रेंथ्स हैं, एक एक बात अल्लामा इकबाल उनको खत में लिखकर भेजते हैं। कुछ खतूत के हवाले अभी हम आपको देंगे। और अल्लामा इकबाल की एक एक बात पर कायद आजम इस तरह अमल करते हैं जैसे कोई बच्चा अपने उस्ताद की बात पर अमल करता है। कायद आजम ने इस तरह अमल किया कि जैसे ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ एक रूहानी हुक्म है उनके लिए जिस पर अमल करना वाजिब है। और ये बात हम नहीं कह रहे, कायद आजम खुद कह रहे हैं। आइए हम आपको दिखाएं। 1940 में जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास होती है लाहौर में, आपको मालूम है उसके बाद कायद आजम ने क्या किया? उस जलसे में जहां पाकिस्तान के कयाम की करारदाद मंजूर की गई, जहां अल्लाह के बंदों ने खुद खुदा को बताया कि उनकी रजा क्या है और अल्लाह ताला ने उनके उस फैसले पर मोहर सब कर दी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान बन के रहेगा, उस जलसे के फौरन बाद कायद आजम अल्लामा इकबाल के मजार पर गए। और यहां पर हम कोट करते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर मंजूर हुई। करारदाद की मंजूरी के बाद कायद आजम अपने रफीक खास अल्लामा इकबाल मरहूम के मजार पर गए और अपने सेक्रेटरी मतलूबुल हसन सैयद से यह फरमाया, आज इकबाल हम में नहीं, अगर वो जिंदा होते तो ये जानकर उन्हें बहुत खुशी होती कि हमने वही कुछ किया जिसकी वो हमसे तवक्को रखते हैं। खवातीन हजरात, ये रिलेशनशिप था इकबाल का और कायद आजम का। इकबाल वॉज एन आइडियोलॉग, अ विजनरी, अ थिंकर एंड अ फिलोसफर, उसको एग्जीक्यूट करने वाले, उसको इंप्लीमेंट करने वाले कायद आजम।
कायदे आजम की अपनी भी एक सोच थी, पॉलिटिकल डायमेंशन में क्या फैसले करने हैं, दुरुस्त, मगर पूरा विजन, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, और वो इस्लामिज्म और पैन इस्लामिज्म, इस्लाम के लिए इश्क और जुनून, और पाकिस्तान के रियासत कायम करने का कॉन्सेप्ट और तसव्वुर, और वो सारा मिशन स्टेटमेंट उनकी जिंदगी का, वो सब कुछ उनको इकबाल की तरफ से दिया गया था। और कायदे आजम रिलीजियसली अल्लामा इकबाल के एक एक हुक्म पर अमल करते थे। लिहाजा अगर कोई शख्स ये समझता है कि कायदे आजम और अल्लामा इकबाल को अलग अलग करके इन दोनों की शख्सियात का मुवाजना किया जा सकता है तो वो झूठ बोलता है, तारीख को मस्ख करता है और उम्मत को, कौम को कंफ्यूज करता है। कायदे आजम के देखिए और अल्फाज आपको सुनाते हैं कि जो वो अल्लामा इकबाल के बारे में क्या फरमाते हैं। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के इंतकाल पर मलाल की खबर ने आलम इस्लाम को रंज अलम में मुब्तला कर दिया। बिलाशुबा वो अजीम तरीन शोरा, फलसफियों और बनीनो इंसान के साहिबा ने बसीरत में से थे। उन्होंने मुल्क की सियासत और आलम इस्लाम की दानिश और बीनिश और सकाफती तामीर नौ में मुमताज किरदार अदा किया। आलमी अदब और फिक्र में उनके कारनामे हमेशा बाकी रहेंगे। मेरे लिए तो वो एक जाती दोस्त, फलसफी और रहनुमा थे, और इस तरह मेरे लिए वजदानी और रूहानी ताइद का एक बहुत बड़ा मंबा। देखिए ये अल्फाज कायदे आजम मोहम्मद अली जिना इस्तेमाल फरमा रहे हैं कि ही वाज अ पर्सनल फ्रेंड, अ गाइड, अ मेंटर, और मेरे स्पिरिचुअल गाइड, मेरे रूहानी। जब रूहानी और वजदानी अल्फाज ये इस्तेमाल करते हैं कायदे आजम, ही इज अ स्पिरिचुअल मेंटर, अ गाइड, जिन्होंने मेरी रूह को, मेरी वजूद को नई जिंदगी अता फरमाई। अगरचे वो बिस्तरे अलालत पर थे, लेकिन इस हालत में भी वो पंजाब मुस्लिम लीग के सदर की हैसियत से पंजाब के तारीख तरीन अयाम में तन तनहा एक चट्टान की तरह लीग के परचम के साथ डट गए और सारी दुनिया को मुखालफत को खातर में नहीं लाए। और इसी तरीके से इकबाल की तारीफ में कायदे आजम ने खूबसूरत तरीन अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। लेकिन जिस चीज पर जोर देने की जरूरत है, जो कायदे आजम अपना जाती ताल्लुक उनके साथ बताते हैं कि मेरे लिए तो वो एक जाती दोस्त, फलसफी और रहनुमा थे, और इस तरह मेरे लिए वजदानी और रूहानी ताइद का एक बहुत बड़ा सोर्स, ही वॉज माई स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन। एक और इस तरह के कई मकाम आपको मिसालें दी जा सकती हैं। इस जमाने में इकबाल से बेहतर इस्लाम को किसी ने नहीं समझा, और मुझे इस बात का फख्र हासिल है कि उनकी क्यादत में एक सिपाही की हैसियत से मुझे काम करने का मौका मिला। यहां ये देखिए कायदे आजम अल्लामा इकबाल के बारे में फरमा रहे हैं कि उनसे बेहतर इस्लाम कोई नहीं जानता और मैं एक सिपाही की हैसियत से उनकी क्यादत में काम करता हूं। देखिए ये वो रिलेशनशिप था जो कायदे आजम और अल्लामा इकबाल के दरमियान था, और ये वो रिलेशनशिप है कि जब तक आप इसके आपस के नाजुक रूहानी ताल्लुक को नहीं समझेंगे, कभी कायदे आजम की शख्सियत को नहीं समझ पाते। कायदे आजम, जैसे हमने जिक्र किया, अपनी पूरी जिंदगी में एक मुसलसल एवोल्यूशन से, एक तगयराती दौर से गुजरे हैं। कायदे आजम बेशक इश्क रसूल अपने वजूद में रखते थे, लेकिन बंदा बशर है, वो कोई आलम दीन नहीं थे, वो कोई बहुत बड़े वक्त के मुजद्दिद नहीं थे, और उनसे जिंदगी में बड़ी गलतियां हुई होंगी, लेकिन उनके दिल में जो इश्क रसूल, जो पाकिस्तान के, जो उस वक्त के मुसलमानों से हमदर्दी, और जो सबसे बड़ी क्वालिटी के उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी वो खयानत नहीं कर सकते थे, ये वो ऐसी खसूसियात और क्वालिटीज उनके वजूद में कि जिनकी वजह से अल्लामा इकबाल इनको सेलेक्ट करते हैं मोहम्मद अली जिना को कायदे आजम बनाने में। कायदे आजम के बारे में बहुत बड़ा खुराफाती प्रोपेगेंडा यह किया जाता है कि वो शराब पिया करते थे, वो सुअर खाया करते थे नाउज़ु बिल्लाह, और इस किस्म की हो सकता है जवानी में कभी उनसे कोई गलतियां हों, लेकिन कायदे आजम में भी तब्दीली आती रही है। अगर इंसान अपनी जवानी में कोई गलतियां और कोताहियां करता है तो वो जिंदगी, जरूरी नहीं होता कि जिंदगी के आखिरी सांस तक वो गलतियां उसको उसके नाम मंसूब कर दी जाए। हम तमाम बड़े बड़े अपनी तारीख इस्लाम में बड़े बड़े लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों के बीच मंझधार में आके जिंदगी के बड़े हिस्से गुजारने के बाद तौबा की, जिंदगियों को तब्दील किया, और हमें कोई मिसाल तारीख में ऐसी नहीं मिलती कि सहाबा से लेकर आज तक किसी शख्स को उसके जमाने जाहिलियत के हवाले से कोई ताना दिया जाता रहा। अव्वल तो इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि कायदे आजम कोई हराम जिंदगी गुजारते थे, लेकिन अगर कोई गलती उन्होंने माजी में की भी थी तो आने वाले वक्तों में गवाही देती है कायदे आजम की जिंदगी भी, और कायदे आजम की गुफ्तगू भी, उनके अल्फाज भी, और उनका मकसद हयात भी, कि वो उस सारी जिंदगी को तर्क करके एक नया वजूद बन चुके थे। जब मोहम्मद अली जिना कायदे आजम बनाए उसके बाद वो स्पॉटलेस कैरेक्टर था, एक ऐसा किरदार था कि जिसकी कसम खाई जा सकती, जिसकी मिसाल दी जा सकती थी। उनकी इंटेग्रिटी, उनकी दयानत, उनकी सदाकत तो हमेशा से ही, सादिक और अमीन तो वो हमेशा से ही थे। कभी कोई तारीख में ऐसी मिसाल कायदे आजम के हवाले से नहीं दी गई कि इवन अपने पुराने दौर में भी, कि जब वो कांग्रेस में थे और जब वो अंग्रेजों से बहुत मुतासिर थे, या जब वो अंग्रेजों के खिलाफ बाद में जंग करने के लिए भी खड़े हुए, उस वक्त भी उन्होंने कोई ऐसी गलती किरदार की दिखाई हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ही वाज अ कैरेक्टर जिस
जो उस दौर में भी एक गैर मामूली वजूद के तौर पर इखलाक और किरदार और सदाकत और दयानत के तौर पर सामने लाया जाता था। दूसरी बात कि कायदे आजम क्या इस्लामी रियासत बनाना चाहते थे? उस वक्त के मजहबी स्कॉलर्स, उस वक्त के जो बड़े बड़े जय्यद उलमा थे और फुकरा थे, अहले तरीकत थे, सलासल के लोग थे, वो कायदे आजम से उनके रिलेशनशिप और ताल्लुकात क्या थे? आइए जरा उस पर भी एक नजर डाल लें ताकि आपको यह अंदाजा हो जाए कि इतने बड़े बड़े उलमा ने कायदे आजम का साथ क्यों दिया। अगर कायदे आजम सेक्युलर थे, एथीस थे, मुलहिद थे, लादीन थे, मजहब और सियासत को अलग अलग करना चाहते थे, तो फिर पहली बात सबसे बढ़कर तो अल्लामा इकबाल ने इनको क्यों चुना, और फिर अल्लामा इकबाल के अलावा जो उस वक्त मुसलमानों की बड़ी बड़ी मजहबी रूहानी क्यादत थी, उन्होंने सारा वजन अपना कायदे आजम के पीछे क्यों डाल दिया? देखिए, वहां पे बहुत बड़ी तादाद हिंदुस्तान में कांग्रेसी मौलवियों की भी थी। वो मौलवी जो कांग्रेस का साथ देते थे, जमीयत उलमा हिंद एक बहुत बड़ा इदारा था, उस वक्त भी बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ऐसे थे कि जो कायदे आजम को काफिर आजम कहते थे, अल्लामा इकबाल को काफिर कहते थे। उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया इस बात में कि पाकिस्तान ना बन सके, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में अल्लाह के वली, दरवेश, उलमा, अच्छे लोग, मजहबी स्कॉलर्स ऐसे थे कि जिन्होंने अपना पूरा वजन कायदे आजम के पीछे डाला। उसकी वजह उनकी जाती बसीरत भी थी और कुछ रूहानी ताइद भी। आए एक वाकया हम आपको सुनाते हैं। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, बहुत बड़े आलिमे दीन, कायदे आजम के बहुत बड़े दोस्त, और कायदे आजम की नमाज जिनाजा भी शब्बीर अहमद उस्मानी साहब ने पढ़ाई। नमाज जिनाजा पढ़ाने के बाद शब्बीर अहमद उस्मानी साहब ने वहां खिताब किया, और जिन साहब ने जो उस खिताब में मौजूद थे, चश्मदीद गवाह हैं, उनसे हमने खुद बात भी की है और उनका ये इंटरव्यू रिकॉर्ड भी कर लिया है, और इसलिए आपको सुनाते हैं। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने अपने उस खिताब में यह बात फरमाई, कहते हैं कि कायदे आजम के बारे में एक राज मैं खोलता हूं, वो ये कि मैंने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत फरमाई, जिसमें हुजूर के साथ कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ रखते हैं, और हुजूर कायदे आजम की तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं कि ये मेरा मुजाहिद, मेरा सिपाही है। अब ये बात मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी एक जलसे को सुनाते हैं, और ये वो बहुत बड़ी अथॉरिटी और दलील बनती है इस बात की कि क्यों बहुत बड़ी तादाद में उलमा कायदे आजम का साथ दे रहे थे उस मिशन में जिसका आगाज अल्लामा इकबाल ने किया था। आइए आपको और हवाले देते हैं, आए एक वाकया आपको सुनाते हैं। रेफरेंडम जीतने के बाद जब अल्लामा उस्मानी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को मुबारकबाद देने के लिए गए, तो कायदे आजम ने फरमाया कि मुबारकबाद के मुस्तहिक तो आप हैं, मैं बेशक सियासतदान सही, लेकिन आपने बरवक्त मदद करके मजहब की रूह लोगों में फूंक दी। इसके बाद जब पाकिस्तान वजूद में आ गया और पाकिस्तान के परचम कुशाई का वक्त आया, यानी पाकिस्तान के लिए जब झंडा चढ़ाने का वक्त आया, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद परचम कुशाई के बजाय तहरीके पाकिस्तान में उलमाए कराम के किरदार का एतराफ करते हुए मगरबी पाकिस्तान में अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी और मशरकी पाकिस्तान में मौलाना जफर अहमद उस्मानी को परचम कुशाई का शर्फ बख्शा। इन तमाम उलमा को कायदे आजम ने इतनी इज्जत दी कि पाकिस्तान का झंडा चढ़ाने की सआदत इनके नसीब में आई, और यही शब्बीर अहमद उस्मानी इसलिए कायदे आजम का दीवानावार साथ दे रहे हैं कि अपने ख्वाब में देख चुके हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायदे आजम को अपना मुजाहिद, अपना सिपाही फरमाते हैं। इसी तरह मौलाना अशरफ अली थानवी के हवाले से तो उन्होंने अपना पूरा वजन कायदे आजम के साथ इतने प्यार और मोहब्बत के साथ डाला कि अपनी बीवी को नसीहत कर गए कि अगर पाकिस्तान बनने से पहले मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम हिजरत करके पाकिस्तान चली जाना, और अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खुद हिजरत करके जाऊंगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान में आबाद हो जाऊंगा। अशरफ अली थानवी पाकिस्तान बनने से पहले इंतकाल कर गए, उनकी बेवा ने उनकी नसीहत के मुताबिक पाकिस्तान हिजरत की और पाकिस्तान में इंतकाल फरमाया। अशरफ अली थानवी अपना पूरा वजन, जैसे हमने अर्ज किया, कायदे आजम के साथ डाल चुके थे। कायदे मुस्लिम लीग के इजलासों में उनके खिताबात पढ़े जाते, असल उनके पैगामात पढ़ाए जाते, पूरे पूरे डेलीगेशन इनकी तरफ से भेजे जाते जो कायदे आजम का पूरा साथ देते थे। और इसके इतने ज्यादा वाकयात हैं जिसको हम थोड़ा सा रेफरेंस और कुछ कोटेशंस देते हैं। 1938 में, यानी जब अल्लामा इकबाल का तकरीबन इंतकाल हो रहा था या होने वाला था, 1938 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम एक अकीदत भरा खत लिखा और कायदे आजम के बारे में दुआ फरमाई, अल्लाह ताला आपको दीन इस्लाम की कुव्वत का जरिया बनाए, मेरे लायक कोई खिदमत या मशवरे के गर्ज से कोई इस्तफसार ज़हन-ए आली में आवे तो अल्ताफनामा आने को फख्र समझूंगा। यानी मौलाना अशरफ अली थानवी कायदे आजम को मोहब्बत और प्यार से एक्नॉलेज करते हैं, उनके किरदार को, इनके रोल को, और ये कहते हैं कि मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे बताइए।
इसी तरह मौलाना अशरफ अली थानवी पाकिस्तान के हवाले से फरमाते हैं कि मेरी दिली तमन्ना और दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हुकूमत आदला मुस्लिमा कायम फरमाए और मैं इसको अपनी आंखों से देखूं। 1938 में अपने ब्रदर नस्बती सईद अहमद उस्मानी से कयाम पाकिस्तान के बारे में एक वाजे पेशिंग गोई कर दी मौलाना अशरफ अली थानवी ने और फरमाया कि मुझे बहुत से मजूबों ने बताया है कि इस्लामी सल्तनत 1947 में कायम हो जाएगी। इसी तरह अब हम अहले तरीकत की बात करते हैं और सिर्फ एक मिसाल आपको देंगे, पीर जमात अली शाह और पीर मानकी शरीफ अमीनुल हसनात साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम बुजुर्गों ने जो अहले तरीकत थे अपना पूरा वजन कायदे आजम के साथ डाल दिया। और बल्कि एक मरतबा एक खत में पीर जमात अली शाह ने पीर मानकी शरीफ को अपने खत में लिखा कि अब वक्त आ गया है कि हम दीन और मिल्लत की खिदमत करें, मोहतरम जिना हमारा ही काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि उनकी मदद की जाए। इस वक्त पीर साहब ने ताज आजम को मानकी शरीफ आने की दावत दी, बहुत बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई। पीर जमात अली शाह ने अपनी बीमारी के सबब अपने बड़े साहबजादे सिराजुल मुल्क सैयद मोहम्मद हुसैन शाह के हाथ ताज आजम के लिए एक गोल्ड मेडल, एक थैली जिसमें 300 रुपए और दूसरे तहाइफ से रवाना किए। पीर ऑफ मानकी शरीफ ने उन्हें बड़ी इज्जत और एहतराम दिया और दरखास्त की कि कायद आजम इस कॉन्फ्रेंस की सदारत करें। फिर पीर जमात अली शाह के साहबजादे ने पीर मानकी शरीफ के कहने पर कायद आजम को गोल्ड मेडल दिया तो कायद आजम खुश हुए और खड़े होकर कहा, अब मैं कामयाब हो गया हूं, बराह मेहरबानी गोल्ड मेडल मेरे गले में डाल दीजिए। देखिए, हमने आपको सिर्फ ये रेफरेंसेज और कुछ हवाले एक मिसाल के तौर पर दिए हैं, इसका एक समुंदर अपनी जगह पर मौजूद है। अल्लामा इकबाल ने जिस तरह अपना पूरा वजन कायद आजम के साथ डाला, जिस तरह अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, मौलाना अशरफ अली थानवी, पीर जमात अली शाह, पीर मानकी शरीफ, इन तमाम अहले तरीकत ने, उलमा ने और जैयद लोगों ने जिस तरह कायद आजम को अपना लीडर तस्लीम किया, उनके सिपाही कहलाने पर अपने आप को फख्र महसूस किया। और अल्लामा इकबाल के बारे में तो खुद कायद आजम ने फरमाया कि मैं इनका सिपाही हूं। और ये सारे बुजुर्गों ने कायद आजम से जिस तफसील से बहस करके, डिबेट करके, गुफ्तगू करके, बातचीत करके, और बाजों को तो रूहानी इशारे हुए, जैसे अशरफ अली थान भी फरमाते हैं कि उनको तो यह रूहानी तौर पर बता दिया गया था कि पाकिस्तान 47 में बन जाएगा। पीर जमात अली शाह, पीर मानकी शरीफ के अपने रूहानी तजुर्बात थे, एक्सपीरियंसेस थे, जिसमें उनको बता दिया गया कि कायद आजम इस्लाम और उन्हीं का काम कर रहे हैं जो अहले तरीकत और फकरा और अहले इश्क का है और अल्लाह रसूल की ड्यूटी है जिस पर कायद आजम को लगाया गया है। और फिर शब्बीर अहमद उस्मानी साहब का वाकया कि खुद रसूलुल्लाह को ख्वाब में आप देखते हैं और हुजूर फरमाते हैं कि मेरे मुजाहिद हैं, मेरा सिपाही है जो ड्यूटी कर रहा है, तो इसके बाद क्या गुंजाइश रह जाती है कि कोई शख्स ये कहे कि कायद आजम सेकुलर थे, लादीन थे, मुलिद थे, नाउजुबिल्ला सेकुलर, एक ऐसी रियासत बनाना चाहते थे जिसमें मजहब और दीन अलग अलग हो, मजहब दीन और सियासत अलग अलग हो, और वो उसकी बुनियादें इस्लाम कुरान और सुन्नत और शरीयत पे ना हो बल्कि एक मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेसी या उस जदीद निजाम पर, सूद और रिबा के निजाम पर हो जो आज दुनिया में कायम है। ऐसे तारीखी झूठ बोले गए हैं कायद आजम के हवाले से कि अब वक्त आ गया है कि हम सारे झूठों को चाक करें, उस असल कायद आजम को निकालें जो उम्मत मुस्लिमा के अजीम तरीन फर्जंद, लीडर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास बरकत और रहमत में वो एक मुजाहिद जिसको सिलेक्ट किया गया था इस ड्यूटी के लिए कि आने वाली उम्मत मुस्लिमा के उरूज के लिए जिस रियासत ने कायम होना है उसकी बुनियादों को कायम करना, उसकी वो रियासत को कायम करके अपनी ड्यूटी मुकम्मल करके जाने वाला जो मुजाहिद है वो कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह, वो नहीं जिसको आज हमारे सो कॉल्ड दानिश्वर सेकुलर लिबरलिस्ट मगरबी ज़दा जो लोग उनको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। आइए हम कुछ और वाकयात आपको सुनाते हैं कायद आजम के असल रूप, असल वकार, असल मकाम को दिखाने के लिए कि ये शेर दलेर उम्मत मुस्लिमा का फर्जन, उसकी क्या मकाम था, क्या स्टैचर था इसका, किस किस्म का पाकिस्तान ये बनाना चाहते थे। कायद आजम के अपने हवालों से आपको मिसालें देते हैं। एक प्रोपेगेंडा कायद आजम के बारे में यह भी किया जाता है, इन्होंने जो बातें इस्लाम के हवाले से की वो सिर्फ पाकिस्तान बनने से पहले की थी ताकि मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जाए, नाउज़ु बिल्लाह। यानी ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो स्लोगन दिया गया था, या जो कायद आजम ने सारी इस्लामी बातें की थी वो सिर्फ इसलिए थी कि एक स्ट्रीट लेवल पे आम लोगों को मुतासिर करने के लिए इस्लाम को इस्तेमाल करना जरूरी था। अगेन, इतना बड़ा झूठ और खुराफात है ये कि आज इसका पर्दा भी इंशाल्लाह हम चाक करते हैं। हम आपको कायद आजम की दोनों तकरीरें सुनाते हैं, वही दोनों पहलुओं से, पाकिस्तान बनने से पहले आपने क्या फरमाया और पाकिस्तान बनने के बाद क्या फरमाया, और फिर कायद आजम के जो करीबी रुफका और दोस्त हैं वो क्या कहते रहे, ताकि बिल्कुल बात वाजे कर दी जाए, कयामत तक इस बहस को ही खत्म कर दिया जाए कि कायद आजम एक सेकुलर रियासत बनाना चाहते थे या शरीयत पर, कुरान और सुन्नत पर मबनी एक इस्लामी रियासत का कयाम चाहते थे। आइए हकीकत आपको बताते हैं। 12 अगस्त 1939
1939 में इस्माइल कॉलेज स्टूडेंट यूनियन बॉम्बे में मुंबई में एक तकरीर करते हुए कायद आजम ने फरमाया कि मैं मुसलमान ही पैदा हुआ था, मुसलमान हूं, मुसलमान मरना पसंद करूंगा। मुसलमानों और हिंदुओं की अपने एतकाद, तालीम, माशरे और फलसफे के एतबार से मंजिलें जुदा जुदा हैं। यानी जहां तक टू नेशन थ्योरी का ताल्लुक है, मुसलमान और हिंदू अलग कौमें, उसको तो उन्होंने वाज़े किया ही, साथ ही बताया कि मैं मुसलमान ही पैदा हुआ था, मुसलमान हूं और मुसलमान ही मरना चाहूंगा। ये सेकुलर आदमी ऐसी बात करता है, बोले एथिस्ट लादीन शख्स ऐसी बात करता है। फिर 1940 में एक जगह फरमाते हैं, यह एक इंतहाई मुश्किल अमर है कि हमारे हिंदू दोस्तों को इस्लाम और हिंदू मत का बुनियादी फर्क क्यों नहीं समझ में आ रहा। हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ मजहबी अकायद, समाजी रिवायात और सकाफत से ताल्लुक रखते हैं। दोनों कौमों का ताल्लुक ऐसी तहजीबों से है जो मुख्तलिफ नजरियात की हामिल हैं और एक दूसरे से मुतसादिम हैं, क्लैश करते हैं हिंदू और मुसलमान हर चीज में। उनकी और हमारी जिंदगी का हर पहलू एक दूसरे से कतई मुख्तलिफ है। यह बात बिल्कुल तय हो गई कि कायदे आजम कॉन्स्टेंटली हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग कौम की हैसियत से प्रेजेंट करते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया। कायदे आजम की इस बात को एक्नॉलेज करने के बाद मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाते हैं कि मैं खुद ये नुकता क्यों मेरे जहन में नहीं आया, ये क्यों मुझे ये बात पहले समझ में नहीं आई कि जब अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है कि बनी इसराइल और फिरौन की कौमें एक साथ मिस्र में रहा करती थी, उसके बावजूद अल्लाह ने उनको दो अलग अलग कौमें कहा है एक मुल्क में रहने के बावजूद, तो ये इस नुक्ते को सामने रखते हुए अल्लामा इकबाल और कायदे आजम के फलसफे को सामने रखते हुए अशरफ अली थानवी फरमाते हैं कि मुझे फिर समझ में आया कि हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। जोग्राफी और मुल्क में रहने से कौम नहीं बनती, मजहब और अकीदे के हिसाब से कौमें बनती हैं। और यही बात कायदे आजम बार बार एम्फोसाइज कर रहे हैं टू नेशन थ्योरी में, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान कायम किया गया। आइए कुछ सवाल जवाब जो कायदे आजम से किए गए वो आपको सुनाते हैं। दीज आर स्टनिंग, अमेजिंग। कायदे आजम जिस तरह जवाब दे रहे हैं, और ये बताइए कि क्या ये जवाब कोई सेकुलर आदमी देता है या इस्लाम का एक आलिम देता है, एक रेवोल्यूशनरी देता है, एक पैन इस्लामिस्ट देता है, एक ऐसा मुसलमान लीडर देता है जिससे अल्लाह ताला ने बहुत बड़े बड़े काम लेने हो। सवाल ये किया गया कि मजहब और मजहबी रियासत के बुनियादी खदोखाल क्या होते हैं। कायदे आजम ने जवाब दिया कि मैं भी जब मजहब की इस्तलाह सुनता हूं तो मेरे जहन में इसका अंग्रेजी मफहूम आता है, और वो ये कि मजहब खुदा और इंसान के दरमियान जाती ताल्लुक का नाम है। यानी मजहब एक प्राइवेट मैटर है, सियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। कायदे आजम ने कहा जब अंग्रेजी मफहूम तो यही है, लेकिन इस्लाम में मजहब की इस्तलाह में अंग्रेजी मफहूम तक कतई महदूद नहीं है। इस्लाम में जो डेफिनेशन मजहब की है वो अंग्रेजी इस्तलाह वाली नहीं है। ना ही मैं मौलवी हूं, ना ही मुल्ला, ना मैं ये दावा करता हूं कि मेरे पास मजहबी इल्म बहुत ज्यादा है, लेकिन कुरान पाक का मैंने अपने तरीके से मुताला किया है। ये अजीम किताब कुरान रूहानी, माशी, सियासी और माशरती और जिंदगी के हर पहलू के बारे में रहनुमाई फराहम करती है। कुरान रहनुमाई फराहम करता है। दूसरा सवाल किया गया कि इस्लामी रियासत के रोशन पहलू कौन कौन से हैं। इस्लामी रियासत का कायदे आजम जवाब दे रहे हैं, इस्लामी रियासत का बुनियादी आंसर यह है कि जिससे कभी भी पहलू तही नहीं की जानी चाहिए, वो ये कि सिर्फ अल्लाह की जात की फरमा बरदारी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है, इसको जरा नोट कीजिएगा। इस्लामी रियासत में कायदे आजम फरमा रहे हैं कि फरमा बरदारी और अतात सिर्फ अल्लाह की जात की है। यह चीज अमली तौर पर कुरान पाक के अहकामात और उसूल पर अमल करने से आती है। इस्लाम में फरमा बरदारी ना तो किसी बादशाह से मुंसलिक है, ना ही किसी पार्लियामेंट से, ना ही किसी और इदारे से। कुरान हमारी जिंदगी की आजादी और पाबंदी की हदूद वजह करता है। दूसरे अल्फाज में इस्लामी रियासत एक एजेंसी है जो कुरान के उसूलों के नफाज को यकीनी बनाता है। अगस्त 1941 में 1941 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के तलबा को इंटरव्यू देते हुए कायदे आजम ने यह बात कही। देखिए आज जो हमारे जमहूरी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले जो खुराफात बकते हैं ये कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, कायदे आजम 1941 में कह रहे हैं कि इस्लाम में ना तो कोई पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना कोई बादशाह सुप्रीम है, सुप्रीम अल्लाह का कानून है। अब मुझे बताइए ये कोई सेकुलर आदमी ये बात करता है या एक आशिक रसूल, एक मुसलमान इस्लामिस्ट ये बात करेगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, बादशाह सुप्रीम नहीं है, डिक्टेटर सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कुरान और सुन्नत और शरीयत है। कायदे आजम 1941 इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। एक एतराज कायदे आजम पर यह किया जाता है कि असल मसला तो सिर्फ इकोनॉमिक्स का था, मुसलमान भूखे मर रहे थे हिंदुओं के नीचे और अंग्रेजों के नीचे, तो मुसलमानों ने कहा कि हम अपना एक निजाम अलग बना लेते हैं, कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, इस्लाम को इश्यू नहीं था। आइए देखें कायदे आजम इसका क्या जवाब देते हैं। 1941 में पंजाब मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन से खिताब करते हुए कायदे आजम फरमाते हैं, ये अजीम बारका जो हम लड़ रहे हैं सिर्फ मादी फवायद के हसूल के लिए नहीं है, इट इज नॉट फॉर इकोनॉमिक इंसेंटिव। यह ना समझना कि हम इसलिए लड़ रहे हैं रुपया पैसा मिल जाएगा, मादी बेनिफिट हमें मिल जाएंगे।
بلکہ اسلام کی اصل روح کو قائم کرنا, دی ایسنس آف اسلام, ہم اس کے لیے یہ کر رہے ہیں. اس لیے میں اکثر میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور اس پر ہم کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتے. جسٹ امیجن دس, قائد اعظم اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ اکانومی کے لیے ہم نہیں کر رہے کہ بہتر اکانومی ہماری ہو جائے گی. اسلام کی روح کو قائم کرنا اور ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. یہ زندگی اور موت کا مسئلہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے, روٹی نہیں ہے. دس از قائد اعظم, دس از ریئل قائد اعظم. آئیے آپ کو اصل قائد اعظم اور دکھاتے ہیں. 1943 اپریل, صوبہ سرحد کے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے مخاطب ہو کے قائد اعظم کہتے ہیں, آپ مجھ سے پیغام اور نصیحت پوچھ رہے ہیں, میں آپ کو کیا نصیحت کر سکتا ہوں؟ ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی پیغام موجود نہیں ہے. 1943 قائد اعظم, یہ سیکولر ہوتے ہیں. اور سنیے, 1945 فرنٹیئر مسلم لیگ سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم فرماتے ہیں, ہمیں دو محاذوں پر بیک وقت جنگ کرنی ہے, ایک طرف ہندو کانگریس, دوسری طرف انگریز سامراج. دونوں ہی سرمایہ دارانہ نظام کے حامی ہیں, دونوں کیپٹلسٹ سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں. مسلمان پاکستان کا مطالبہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اس خطے زمین پر اپنی زندگی, اپنی معاشرتی اقدار, ثقافت اور اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. اگین, اگر صرف ایک کیپٹلسٹ سسٹم مغرب سے لے کر ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہوتا تو یونائیٹڈ انڈیا میں بڑے آرام سے کر سکتے تھے. ہم پاکستان کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ہم اپنی مذہبی اقدار کو, اپنے لاس کو, اپنے قوانین کو وہاں انفورس کر سکیں. قائد اعظم ایڈریسنگ ٹو اسٹوڈنٹس ان 1945. اسی طرح 1945 میں عید کے موقع پر قوم کو پیغام میں قائد اعظم فرماتے ہیں, ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن صرف مذہبی اور اخلاقی تعلیمات تک محدود نہیں ہے. جاہلوں کے علاوہ باقی ہر ایک اس بات سے آشنا ہے کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. قرآن مذہبی, سماجی, سول, تجارتی, عسکری, عدالتی, نیز ہر پہلو انسان کی رہنمائی کرتا ہے. یہ مذہبی فرائض سے لے کر روزمرہ زندگی, ظاہری اور باطنی, اجتماعی انفرادی حقوق, اخلاقیات اور جرم, اور دنیاوی اور آخروی زندگی تک تمام معاملات کا حل دیتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے ساتھ قرآن پاک کا نسخہ رکھنا چاہیے کہ خود اس کو سمجھے. اس لیے اسلام کو صرف روحانی اور مذہبی فرائض و نظریات اور معاملات تک قطعی محدود نہ رکھیں. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے. یہ بات کوئی سیکولر کرے گا؟ 1945 عید کے پیغام میں قائد اعظم اپنا ڈیسائسو رول ماڈل قرآن و سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اور امت کو نصیحت کر رہے ہیں کہ قرآن اپنے ہاتھ میں رکھو اور اپنی زندگی کی رہنمائی اس سے لو, اور ہر پہلو پہ. یہ نہیں کہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے, لیکن تمہاری ظاہری, باطنی, تمہارے سیاسی, تمہارے مذہبی, تمہارے عسکری, تمہاری معاشی, معاشرتی, ہر پہلو پہ قرآن حاوی ہونا چاہیے. یہ ہیں قائد اعظم. آئیے آپ کو اور دکھاتے ہیں. 1945 میں قائد اعظم نے ایک بہت خوبصورت خطبہ دیا. لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور آج بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آزادی ہم نے صرف اس لیے حاصل کی تھی کہ چلو اپنی انگریزوں سے بچ جائیں گے, وہی بات جو اکنامک پرابلمز ہمیں, وہ سے ہم دور ہو جائیں گے. مگر آزادی کا مفہوم کیا ہے؟ کیوں آزادی ہم کیوں لینا چاہتے ہیں؟ قائد اعظم نے اس سارے اعتراضات کا ڈیسائسولی جواب دیا اس خوبصورت جملے میں. فرماتے ہیں, پاکستان کے مطالبے کا مقصد محض آزادی یا خود مختاری کا حصول نہیں ہے. دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات ہے, ہم پاکستان اس لیے نہیں لے رہے کہ صرف ہم آزاد ہو جائیں گے, انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, اٹانومس ہو جائیں گے, اس کی کوئی وجہ ہے. فرماتے ہیں, بلکہ مستقبل کے پاکستان میں اسلامی نظریے کی بقا مضمر ہے. جو فیوچر کا پاکستان ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ اسلامی آئیڈینٹیٹی, اسلامی مذہب, اسلامی فیتھ, اسلامک آئیڈیالوجی, اس کا سروائیول اس میں ہے کہ پاکستان بنایا جائے. جو بات ہم نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ اس وقت پوری دنیا میں تاریکی تھی, پوری مسلمان دنیا غلام ہو چکی تھی, اور خطرہ یہ لگتا تھا جیسے اسلام ایز این آئیڈیالوجی, اسلام ایک فکر, ایک نظریہ, ایک سوچ, ایک دین, ایک مذہب کے ختم کر دیا جائے گا, اور اس کی بقا کے لیے جس میں خطہ زمین کی ضرورت ہے وہ پاکستان ہے. اور قائد اعظم یہاں پر اگزیکٹلی یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے آزادی, انڈیپینڈنس بذات خود آزادی لینے کے لیے یہ نہیں کیا کہ ہم آزادی لے کے ایک سیکولر ملک بن جائیں, آزادی لے کے ہم سوشلسٹ, کمیونسٹ, کیپٹلسٹ ملک بن جائیں. فرماتے ہیں کہ ہم نے آزادی اس لیے لی ہے کہ اس میں دین کی بقا اسی میں ہے. اسلام خطرے میں پڑا ہوا ہے اگر ہم پاکستان نہیں بنایا ہم نے تو. ایک ایسا نظریہ جو ہمارے لیے ایک نعمت ہے اور ہمیں امید ہے کہ باقی لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے. اور پھر 1946 میں اسلامیہ کالج پشاور میں فرماتے ہیں کہ ہم پاکستان کا مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام کی تجربہ گاہ قائم کر سکے. وی وانٹ ٹو میک اٹ اے لیبورٹری فار اسلام
वहां पे इस्लामिक मॉडल, इस्लामिक सिस्टम कायम करके दिखाएं ताकि दुनिया को पता लगे कि इस्लाम एज अ लिविंग रोल मॉडल, एक लिविंग पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह का होता है। ये कोई सेकुलर आदमी ये बात करेगा। इसी तरह 1943 इसमें इस्माइल कॉलेज बॉम्बे के स्टूडेंट को खिताब करते हुए कायदे आजम फरमाते हैं कि हम इस बात का अहद करते हैं और गारंटी देते हैं कि हम अकलियतों के साथ एक इंतहाई तहजीब याफ्ता हुकूमत जैसा मुनासिब रवैया रखेंगे, बल्कि इससे भी बेहतर वो रवैया रखेंगे जो कुरान में अकलियतों के बारे में दिया गया है। यानी जो मॉडर्न वर्ल्ड आज हमें ह्यूमन राइट्स सिखाती है, हम ये गारंटी देते हैं कि इससे बेहतर हम ह्यूमन राइट्स देंगे अकलियतों को, माइनॉरिटीज को, क्योंकि हम अपनी गाइडेंस कुरान से लेंगे। ये कायदे आजम फरमा रहे हैं 1943 में। अगेन, क्या ये सेकुलर आदमी ऐसी बात करेगा? एक और मौके पे कायदे आजम पाकिस्तान के बारे में फरमाते हैं कि पाकिस्तान एक उभरती हुई ताकत और दुनिया में पांचवीं बड़ी इस्लामी ताकत है। पाकिस्तान को एक इस्लामिक पावर कहा है आपने। और इसी तरह डॉन अखबार में 1944 में कायदे आजम का एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ जिसमें एक अमेरिकन कॉरेस्पॉन्डेंट ने उनसे पूछा कि पाकिस्तान का नजरिया किसने दिया है। कायदे आजम फरमाते हैं, जब से पूछा गया कि पाकिस्तान का नजरिया किसने दिया है, कायदे आजम ने फरमाया हर मुसलमान ने। फिर कायद से पूछा गया कि अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को किस तरह हासिल किया जाए, तो कायद आजम ने बड़े कॉन्फिडेंस से फरमाया कि हम पाकिस्तान के लिए कोई भीख नहीं मांग रहे और सिर्फ दुआएं नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान के हुसूल के लिए अल्लाह पर कामिल यकीन के साथ हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारे हाथों में, यानी पाकिस्तान इज विद इन आवर रीच, वी कैन ग्रैब इट। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात 1944 में आप फरमा रहे हैं कि हर पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट और उसका आइडिया हर मुसलमान ने दिया है मुसलसल। और यह हमने सिर्फ चंद मिसालें आपको दी हैं, इस तरह की हजारों मिसालें मौजूद हैं कि जहां कायदे आजम और उनके रुफका, उनके साथी, उनके कॉलीग्स पाकिस्तान बनने से पहले मुसलसल दुनिया के आगे ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं और फर्मली बिलीव कर रहे हैं। और कायदे आजम से ये कहना नाउजुबिल्ला कि वो सिर्फ झूठ बोलने के लिए, धोखा देने के लिए सारी बातें कर रहे होंगे ताकि लोगों को साथ मिला लिया जाए और असल मकसद उनका कुछ और था कि पाकिस्तान बनाने के बाद उसको सेकुलर रियासत बनाएंगे, ऐसी बात करने वाले बदबख्त हैं। ऐसी बात करने वाले जो अपने आप को आपके मॉडर्न दानिश्वर कहते हैं, वो गद्दार है मुल्क, मिल्लत और कौम के, उनके चेहरे और शक्लें पहचान लीजिए। इसी तरह एक इंटरव्यू देते हुए कायदे आजम ये फरमाते हैं कि मेरा ईमान है कि कुरान और सुन्नत के जिंदा जावेद कानून पर मबनी रियासत पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन और मिसाली रियासत होगी। इन अल्फाज को याद की, देखिए खवातीन हजरात, इतने पावरफुल, इतने स्टनिंग अल्फाज हैं ये। मेरा ईमान है कि कुरान और सुन्नत के जिंदा जावेद कानून पर मबनी रियासत पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन और मिसाली रियासत होगी। मैं किसी इज्म पर यकीन नहीं रखता, मैं इस्लाम के कामिल निजाम जिंदगी पर ईमान रखता हूं। मुझे इकबाल से पूरा इत्तेफाक है कि दुनिया के तमाम मसाइल का हल इस्लाम से बेहतर कहीं नहीं मिल सकता। मुझे इकबाल से पूरा इत्तेफाक है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के निजाम हुकूमत की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर है और यह एक फलाही मिसाली रियासत होगी। पाकिस्तान में कॉम्युनिज्म या सरमायादाराना निजाम यानी कैपिटलिज्म की कोई जगह नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान कायम हो गया तो चंद दिन भी कायम नहीं रह सकेगा, लेकिन मुझे पुख्ता यकीन है कि खुदावंद करीम उसे हमेशा कायम और दायम रखेगा। कायदे आजम का यह इंटरव्यू डॉक्टर सैयद बदरुद्दीन के हवाले से 1970 के चट्टान में शाया हुआ है। इसमें बहुत पावरफुल अल्फाज कायदे आजम ने इस्तेमाल किए हैं कि यहां किसी इज्म की गुंजाइश नहीं है, ना कम्युनिज्म ना कैपिटलिज्म, यहां इस्लाम होगा। अब बताइए ये सेकुलर आदमी ऐसी बात करेगा? ये तो एक ऐसा इस्लामी इनकलाबी रेवोल्यूशनरी ऐसी बात करेगा जिसके बारे में फरमा रहे हैं कि मुझे इकबाल से पूरा इत्तेफाक है कि दुनिया के तबाह मसाइल का हल हमको इस्लाम में मिलेगा। दिस इज रियल कायदे आजम, पैन इस्लामिस्ट, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी, एक इनकलाबी, एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही और मुजाहिद कायदे आजम। अब सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, पाकिस्तान का आइन कैसे बनेगा? यह सवाल कायदे आजम से भी किया गया था। आज हम आइन के मुख्तलिफ किस्म के हीले बहानों में फंसे हुए हैं, खुराफात मची हुई है आइन के नाम पर कि आइन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और सूद और रिबा और कुफर और सूद का निजाम जो दुनिया में कायम है, जो पाकिस्तान में मुसल्लत है, अभी तक जुडिशरी फैसले नहीं कर पाई कि पाकिस्तान में सूद और रिबा का निजाम खत्म करना है या नहीं करना, कंफ्यूजन मचाई हुई है। क्या कायदे आजम को यह कंफ्यूजन थी? आइए कायदे आजम से पूछते हैं। 1942 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के इजलास में नवाब सर मोहम्मद यूसुफ के यहाँ कायदे आजम ठहरे हुए थे। वकला का एक वफ्द कायदे आजम से मिलने के लिए आया, वकीलों का डेलीगेशन आया, और जाहिर है वकील चूंकि फौरन ही कानूनी पेचीदगियों में लग जाते हैं, पहला सवाल ही उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान का दस्तूर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, पाकिस्तान का दस्तूर क्या होगा, क्या आप पाकिस्तान का दस्तूर आप बनाएंगे? कायदे आजम फरमाते हैं कि मैं पाकिस्तान का दस्तूर बनाने वाला कौन होता हूं?
पाकिस्तान का दस्तूर तो 1300 साल पहले बन गया था, यानी कुरान के हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का आइन तो कुरान और सुन्नत है जो 1300 साल पहले हमें मिल चुका है। मेरी क्या जरूरत कि मैं दस्तूर बनाऊं। और वो बात देखिए, और ये बात इस मकालमे को कायदे आजम के बॉडीगार्ड खलीफा इमाम दीन बका ने आतिशफिशां के कायदे आजम नंबर में नकल किया है। नाउ यू वांट टू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, कायदे आजम का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान और सुन्नत है। इसी तरह एक और मौके पर रावलपिंडी में एक महफिल थी, उसमें एक साहब ने मोहम्मद जान, जिनका नाम है, कायदे आजम से सवाल किया कि अगर हम फर्ज कर लें कि आपकी मौजूदगी में पाकिस्तान बनता है, यानी लोगों को यकीन भी नहीं था कि पाकिस्तान बनेगा, कहते हैं अगर हम फर्ज कर लें कि आपकी मौजूदगी में पाकिस्तान बनता है और आप इस मुल्क के सरबरा होते हैं, तो फिर दस्तूर की क्या हैसियत होगी, कानून लॉ क्या बनेगा, आइन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। कायदे आजम फरमाते हैं इसके मुतालिक परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपके पास 1300 साल से दस्तूर मौजूद है। अब वो साहब ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, क्या इस दस्तूर को गैर मुस्लिम भी तस्लीम करेंगे। कायदे आजम फरमाते हैं मैं कोई कुरान का बहुत बड़ा आलिम होने का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन कुरान को मुझे जितना इल्म है उसकी बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि कुरानी दस्तूर तो वो है जिसके मुताल्लिक खुद गैर मुस्लिम कहेंगे कि इस कुरानी दस्तूर को हम पर लाजिम किया जाए, हम पर इस कानून को अप्लाई किया जाए। कायदे आजम फरमा रहे हैं ये। फिर वो साहब ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, फरमाते हैं क्या कुरान में तो शराब हराम है, क्या पाकिस्तान में शराब पर पाबंदी होगी। कायदे आजम बगैर डिले के फरमाते हैं बेशक पाकिस्तान में शराब पर पाबंदी होगी। और यह गुफ्तगू मियां हयात बख्श सदर अंजुमन फैजुल इस्लाम रावलपिंडी के सामने हुई और उन्हीं के हवाले से आतिशफिशां के कायदे आजम नंबर में नकल की गई। खवातीन हजरात, नाउ इट इज डिसाइसिवली क्लियर कि कायदे आजम कौन सा पाकिस्तान बनाना चाहते थे। कायदे आजम के पाकिस्तान में दस्तूर कुरान और सुन्नत का होगा, कायदे आजम के पाकिस्तान में शराब हराम होगी, कायदे आजम के पाकिस्तान में एक ऐसी तजुर्बगा बनेगी जहां पे इस्लाम का तमाम नजरिया हयात इंप्लीमेंट किया जाएगा, मुसलमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और इस्लाम की बका इसमें मुजमिर है। कायदे आजम के अल्फाज के मुताबिक कि हम सिर्फ आजादी बहसियत आजादी के लिए नहीं हासिल कर रहे बल्कि हम पाकिस्तान इसलिए बना रहे हैं कि यहां पर इस्लाम की बका यहां पर मुजमिर है, हम पाकिस्तान को इस्लाम का एक किला बनाएंगे। और यह भी कायदे आजम के अल्फाज हम सुनाएंगे अभी आपको। इसी तरह बख्त जमाल खान फ्रंटियर थे, मुस्लिम लीग के बहुत बड़े जोशीले कारकुन थे, सूबे सरहद के गैरतमंद पश्तून, वो कायदे आजम के पास आते हैं और कायदे आजम से पूछते हैं क्या मुसलमानों की अलग मुमलिकत बन जाने की सूरत में यहां कुरानी निजाम नाफिज होगा। कायदे आजम फरमाते हैं यकीनन, इसमें क्या शक है। बख्त जमाल फरमाते हैं क्या यह आपका वादा है। कायदे आजम कहते हैं बिल्कुल है। और फिर बख्त जमाल अपना हाथ कायदे आजम के हाथ में देते हुए कहते हैं ये आपके हाथ पर बैत है, मैं इस्लामी मुमलिकत के कायम की खातिर हर किस्म की कुर्बानी दूंगा। ये देखिए उस इमोशनलिज्म, जज्बात उस गैरतमंद गयूर पश्तून की कि जब उसको ये यकीन हो जाता है कि यहां पर कुरान का निजाम नाफिज होगा तो कायदे आजम के हाथ पे बैत कर लेता है। और ये मकालमा भी आतिशफिशां के कायदे आजम नंबर में खान बख खान के हवाले से नकल किया गया है। एक मौके पर मुस्लिम लीग की खवातीन का एक ग्रुप कायदे आजम से मिलने के लिए आता है और रजिया बरला सवाल करती है कायदे आजम से कि पाकिस्तान में निजाम हुकूमत के बारे में, कि पाकिस्तान में तर्ज हुकूमत क्या होगा। कायदे आजम जवाब फरमाते हैं कि इस्लाम में मजहब और सियासत दो अलग अलग चीजें नहीं है। देखिए ये डिसाइसिव फैसला कर दिया गया है कि रियासत और मजहब अलग नहीं होगा, रियासत और मजहब एक वजूद होगा। यह कायदे आजम का जवाब मुसलमान खवातीन के साथ था। आज हम बहुत सारी खुराफात सुनते हैं, कभी इनलाइटेंड मॉडरेशन का नाम दिया जाता है, कभी दीन इलाही पैदा किया जाता है, कभी कहा जाता है कि मगरब की वैल्यूज को अडॉप्ट किया जाए ताकि हम अकलियतों के साथ वो सलूक कर सके कि जो मगरब ने हमें सिखाया है, सेकुलर रियासत होनी चाहिए। इस किस्म की खुराफात उस वक्त में कायदे आजम के साथ भी हुआ करती थी, लोग हर किस्म के सवाल किया करते थे। बताया जाता है कि जब 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन आजादी की तकरीबात में हिस्सा लेने कराची आए तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा मुझे उम्मीद है कि अकलियतों के सिलसिले में पाकिस्तान में अकबर की तकलीद की जाएगी। अकबर ने जो दीन इलाही निकाला था, माउंटबेटन ये कहता है कि पाकिस्तान में अकबर को फॉलो किया जाएगा। कायदे आजम क्या जवाब देते हैं, फरमाते हैं हमें अकबर की तकलीद करने की क्या जरूरत है, हमें अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलेंगे जिन्होंने 1300 साल पहले सिर्फ अल्फाज ही से नहीं बल्कि अमलन ईसाई और यहूदियों से इंतहाई दर्जे की रवादारी का सलूक किया और उनके अकीदे और दीन का एहतराम किया। ये पाकिस्तान बनने के वक्त माउंटबेटन को जवाब दिया जाता है कायदे आजम की तरफ से कि हमें कोई दीन इलाही किसी अकबर के मजहब की जरूरत नहीं है, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलेंगे। और ये कोई छोटा मोटा
सड़की इजलास नहीं था, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं थी। यहां पे वॉइसरॉय, फॉर्मर वॉइसरॉय मौजूद है और न्यू फ्यूचर गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसको मुखातिब करके कहते हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह के रसूल का कानून नाफिज किया जाए। ये तो सारी बातें थी जो पाकिस्तान बनने से पहले की थी। आइए पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आजम ने क्या फरमाया। जो इतराज किया जाता है कि इस पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने सारी बातें की थी, पाकिस्तान बनने के बाद तो उनका कोई मकसद ऐसा नहीं था। हम माउंटबेटन वाली मिसाल तो आपको दे ही चुके, जिसको कायदे आजम ने साफ साफ जवाब दिया था कि हमें अकलियतों के मामले में और बाकी तमाम मामलों में सिर्फ अल्लाह के रसूल की पैरवी करनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस से खिताब करते हुए पाकिस्तान बनने के बाद अक्टूबर 11, 1947 में कायदे आजम फरमाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज ओनली अ मींस टू एन एंड एंड नॉट द एंड इन इटसेल्फ। पाकिस्तान बनाना बजाते खुद मकसद नहीं था, एक आला तरीन मकसद को हासिल करने का सिर्फ एक जरिया है। और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं इस जरिए को, द आइडिया वाज दैट वी शुड हैव अ स्टेट इन विच वी कुड लिव एंड ब्रीद अ फ्री मैन एंड विच वी कुड डेवलप अकॉर्डिंग टू आर ओन लाइट्स एंड कल्चर वेयर प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक सोशल जस्टिस कुड फाइंड फेयर प्ले। इस्लाम का माशी अदल का निजाम हम वहां कायम करें। और फिर फरमाते हैं, इफ वी टेक इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस फ्रॉम द होली कुरान द फाइनल विक्ट्री I once again say will be ours. अगर हम कुरान से हिदायत लें, ultimately फतह हमारी होगी। He advised that everyone to whom his message reaches must vow to himself and be prepared to sacrifice all his, if necessary, in building up Pakistan as a bulwark of Islam. इस्लाम का किला बनाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़े तो कुर्बान कर दो। Do not be afraid of death. मौत से मत डरना। Save the honor of Pakistan and Islam. खवातीन हज़रात, इन अल्फाज पे गौर कीजिए। एक इनकलाब हमारे वजूद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम कायदे आजम के इन अल्फाज पर पढ़ते और सोचते हैं कि वो पाक फौज के सिपाहियों से, ऑफिसर्स से, जवानों से मुखातिब होकर कह रहा है कि मौत से खौफ मत खाना, अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इस्लाम और पाकिस्तान के लिए। वो इस्लाम और पाकिस्तान में फर्क भी नहीं करते। इस्लाम और पाकिस्तान एक ही वजूद का नाम है उनके नजदीक। पाकिस्तान इस्लाम की नुमाइंदगी करता है, इस्लाम पाकिस्तान की रूह। ये कायदे आजम। और सिर्फ मुख्तसर करने के लिए, सबसे कमाल की तकरीर कायदे आजम की वो तकरीर है जो आपने स्टेट बैंक के इफ्तिताह करते हुए 1948 में की, और ये आखिरी सरकारी तकरीर थी जिसमें आप शरीक हुए, इसके बाद आपका इंतकाल हो गया। और अगर आप इस तकरीर को पढ़ लें तो इंसान के जहन में किसी किस्म का कोई शुबा नहीं रह जाता कि कायदे आजम किस किस्म का पाकिस्तान बनाना चाहते थे। ये आखिरी तकरीर है। वो सारी जिंदगी जो कायदे आजम ने अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड करते रहे, आपकी तरबियत होती रही, आपकी रूहानी इर्तका हुई है, आप अपने आप को रिफॉर्म करते रहे, आप अल्लामा इकबाल से सीखते रहे, बड़े बड़े उलमा जो आपको हिदायतें और गाइडेंस देते रहे, वो कायदे आजम जो पहले एक इंडियन नेशनलिस्ट था, जो पहले यूनाइटेड इंडिया में रहना चाहता था, आखिर में वो पैन इस्लामिक लीडर के तौर पर जब सामने आता है, उस पूरी जिंदगी के सफर से गुजरता हुआ, तो आखिरी तकरीर जो वो कर रहा है, आइए उसमें वो क्या कहता है। स्टेट बैंक के इफ्तिताह के मौके पर वो कहते हैं, और उसका मफहूम यही है कि मगरबी निजाम ने इंसानियत को तबाही के ऐसे दहाने पर खड़ा कर दिया जिसकी वजह से जंगें बरपा हुई हैं। अब इंसानियत के पास फलाह का कोई रास्ता नहीं है सिवाय कुरान और सुन्नत के बताए हुए इकोनॉमिक, माशी, सोशल तरीकों को अप्लाई किया जाए ताकि इंसानियत को फलाह पा सके। और फरमाते हैं कि मैं स्टेट बैंक को गौर से देखूंगा कि यह वो निजाम नाफिज करता है इस मुल्क में या नहीं। कुछ हम उसके कोट्स आपको सुनाते हैं। मैं इंतहाई गौर से आपकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जायजा लूंगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस्लामी माशरती और माशी इकदार पर अमल करे। मगरब के माशी निजाम ने इंसानियत के लिए अजीम मसाइल खड़े कर दिए और दुनिया को मगरब के इस माशी निजाम से जो तबाही की तरफ ले जा रहा है उसको सिर्फ मौजा ही कोई बचा सकता है। मगरब का माशी निजाम इंसान के दरमियान मसावात कायम करने में नाकाम रहा है। फिर कायद ने फरमाया कि हमें अपनी तकदीर अपने अंदाज से बनानी है और दुनिया में एक माशी निजाम मुतारिफ कराना है जिसकी बुनियाद इस्लामी भाईचारे और माशरती मसावात पर हो। जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम सूद और रिबा के पेपर करेंसी पर बेस करके जिसने दुनिया को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन, पूरी दुनिया के अंदर होर्डिंग, पूरी दुनिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जिसने तबाह बर्बाद करके अरबों करोड़ों इंसानों को हलाक कर दिया है, कायदे आजम उसके बारे में कह रहे हैं कि यह इंसानियत को तबाही के दहाने पर ले जा चुका है और इलाज अब सिर्फ यह है कि इस्लाम के बताए हुए, कुरान और सुन्नत के बताए हुए तरीकों पर इंसान अपने आप को, पाकिस्तान खासतौर पर, स्टेट बैंक उन प्रिंसिपल्स को पाकिस्तान में अप्लाई करे और हम दुनिया को दिखाएं कि इस्लामी माशरी अदल का निजाम क्या होता है। ये आखिरी तकरीर है आपकी। ख्वातीन हज़रात, इसके बाद कायदे आजम का इंतकाल हो जाता है, मगर कायदे आजम आज भी जिंदा है। आइए कुछ और मिसालें आपको देते हैं, कायदे आजम की शख्सियत के कुछ और पहलू आपको दिखाते हैं कि जो अब आज तक हमारी कौम के सामने नहीं लाए गए।
जो आपको ये बताएंगे कि वो एक स्टनिंग गैर मामूली लीडर जो अल्लाह ने तोहफे के तौर पर एक सियासी मुदब्बिर हमारे पास भेजा, आइए उसकी शख्सियत के कुछ दूसरे गैर मामूली पहलू भी आपको दिखाते हैं। ये तो डिसाइसिवली तय हो गया कि ही वॉज एन इस्लामिस्ट। किसी मगरबी मौरख ने भी ये बात लिखी है कि कायद आजम वॉज अ सोर्ड ऑफ इस्लाम इन अ सेक्युलर स्कैबर्ड, यानी उनकी जो नियाम थी, जो कवर था उनका जाहिरी ऊपर से, वो सेकुलर नजर आता था देखने वालों को, देखने में वो अंग्रेज से नजर आते थे लेकिन असल में वो इस्लाम की तलवार थे। और ये राज शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के उस ख्वाब से भी जो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत जिसमें की, और हुजूर कायद आजम को फरमाते हैं मेरा सिपाही, उसमें कोई शुबा नहीं कि कायद आजम हुजूर के एक सिपाही है। आम तौर पर हमें यह बताया जाता है कि कायद आजम सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के लीडर हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों के ही इश्यूज पर आपने काम किया और हमको एक पाकिस्तान बना के दिया। ख्वातीन हजरात, कायद आजम के बारे में यह भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप उम्मत मुस्लिमा के एक लीडर हैं, आप एक पैन इस्लामिस्ट हैं, आपने पूरी उम्मत के हर मसले पर इतने दलेराना और गैरतमंदाना स्टेप्स लिए हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है, खासतौर पर उस वक्त भी कि जब पाकिस्तान बना ही नहीं था, पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी पास नहीं हुई थी। यानी 1938 में जब मुस्लिम लीग का इजलास हो रहा है, उस वक्त तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की अपनी तकदीर का नहीं पता कि मुसलमानों के साथ क्या होने वाला है। उस वक्त फलस्तीन का मसला भी खड़ा हुआ था और नजर आ रहा था मुसलमानों को कि बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद अंग्रेज यहूदियों के साथ साजिश करके एक मुसलमानों के कल्ब में एक इसराइल की नाजायज रियासत कायम करना चाहता है। और अंग्रेजों को उस वक्त जब अंग्रेज साम्राज्य कायम है, दुनिया यह कह रही है कि अंग्रेज के साथ मोहतात रवैया अख्तियार करो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, उस मौके पर कायद आजम के जरा अल्फाज मुलाहिजा कीजिए। 1938 के एक इजलास में मुस्लिम लीग के फरमाते हैं, अमंग द इमीडिएट इश्यूज वी हैव टू ग्रैपल विद विच मे कम अप बिफोर द सब्जेक्ट कमिटी इज द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन, जो हमें इमीडिएट मसाइल जिनका हमने हल करना है मसला, उसका एक बहुत बड़ा मसला कश्मीर का भी, फलस्तीन का भी है। आई नो हाउ डीपली मुस्लिम्स फीलिंग्स हैव बीन स्टेड ओवर द इशू ऑफ पैलेस्टाइन, मुझे मालूम है कि मुसलमानों के जज्बात किस तरह भड़क उठे हैं फलस्तीन के मसले पे। आई नो मुस्लिम्स विल नॉट शिर्क फ्रॉम एनी सेक्रीफाइस इफ रिक्वायर्ड टू हेल्प द अरब्स हु आर एंगेज्ड इन द फाइट फॉर द नेशनल फ्रीडम। हमें यह बात अच्छी तरह मालूम है कि मुसलमान किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे कि अगर उनको अरब मुसलमानों के लिए मदद करनी पड़े, जिसको अपने अरब मुसलमान अपनी आजादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। यू नो दैट अरब्स हैव बीन ट्रीटेड शेमलेसली, आप हमको यह मालूम है कि अरबों के साथ इंतहाई बेहयाई और बेशर्मी के साथ अंग्रेजों ने मामला सौदा कर दिया। यानी ये बात सोचिए कि 1938 के इजलास में जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी पास नहीं हुई है, पूरी मुसलमानों को यकजा करके फलस्तीन के मसले पे कायद आजम बात कर रहे हैं और मुसलमानों को मुत्तहिद किया जा रहा है, और सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों से बात कर रहे हैं, आइंदा हम आपको बताते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों और अमेरिकन से किस तरह बात की इस मौजू पर, उस वक्त जब पाकिस्तान बना ही नहीं है और मुस्लिम इश्यूज को किस तरह आप हैंडल कर रहे हैं। इसी तरह 1940 के इजलास में जिसमें पाकिस्तान की डिमांड दी जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हमने पाकिस्तान बनाना है, जिसको हम करारदाद पाकिस्तान कह रहे हैं, उसी इजलास में अंग्रेजों को धमकी भी दी जा रही है कायद आजम की तरफ से, अंग्रेजों के लिए सख्त लहजा अख्तियार किया गया है फलस्तीन के मामले में। कायद आजम फरमाते हैं, इन द कोर्स ऑफ हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट द हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ द लीग इन मार्च 1940, कायद आजम सेड दैट द मुस्लिम्स वांटेड दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड इन फैक्ट एंड एक्चुअली मीट द डिमांड्स ऑफ द अरब्स इन पैलेस्टाइन। मुसलमान दुनिया यह चाहती है कि अंग्रेज हुकूमत मुसलमानों में, फलस्तीन में जो मुसलमानों की डिमांड्स हैं उनको पूरा करें। उन्होंने और भी सख्त अल्फाज में अंग्रेज हुकूमत से इस हवाले से बात की। एड्रेसिंग द मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन इन 1944, कायद आजम वॉर्न्ड, कायद आजम ने यहां पर बड़े ही सख्त अल्फाज 1944 में इस्तेमाल किए। देखिए अभी आप आजाद नहीं हुए हैं, पाकिस्तान के आप गवर्नर जनरल नहीं बने, 1944 की बात है, उस वक्त आप फरमा रहे हैं, इफ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अंडर द प्रेशर ऑफ द पावरफुल वर्ल्ड ज्यूरी, इमेजिन कीजिए यहां कायद आजम बराह रास्त यहूदियों से चैलेंज ले रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अमेरिका का जो सदर है उसने दुनिया की ताकतवर यहूदी जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कहने पर फलस्तीन में फसाद खड़ा किया तो फिर क्या होगा, जरा सुनिए गौर से। इफ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अंडर द प्रेशर ऑफ द पावरफुल वर्ल्ड ज्यूरी कमिट्स द ब्लंडर ऑफ फोर्सिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डू इनजस्टिस टू द अरब्स इन पैलेस्टाइन, दिस वुड सेट द होल मुस्लिम वर्ल्ड अब्लेज फ्रॉम वन एंड टू अनदर, he hoped that US will revise its attitude towards Palestine. उन्होंने कहा अगर यह हिमाकत कर बैठा रूजवेल्ट अंग्रेजों के कहने पर और पावरफुल यहूदी ऑर्गेनाइजेशन से कहने पर तो पूरी मुसलमान दुनिया में आग लग जाएगी, एक कोने से दूसरे कोने तक हम उठ खड़े होंगे और हमें उम्मीद है कि अमरीकन तरह होश से काम लेंगे और फलस्तीन के मसले पर वो हिमाकत नहीं करेंगे। इमेजिन कीजिए ये कायद आजम फरमा रहे हैं फलस्तीन के मसले पर,
آج تک ہماری تاریخ میں نہیں بتایا گیا کہ فلسطین اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی آواز صرف قائد اعظم تھے. پاکستان نہیں بنایا بھی and he's a pan-Islamist in every corner of the world. جہاں کوئی مسلم ایشو ہے قائد اعظم اس پہ بات کر رہے ہیں اور بڑے اگریسولی بات کر رہے ہیں. کوئی اس طرح نہیں جس طرح ہمارے فورن منسٹر آج کرتے ہیں شرمندگی اور اجازت مانگ کے دشمن سے کہ ہم کیا بات کریں تمہارے حق میں تمہارے خلاف. قائد اعظم اس وقت جب کچھ نہیں ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں, he has emerged as one of the greatest leaders of the 20th century. ماشاءاللہ وہی بات, ٹیپو سلطان کے بعد مسلمانوں نے اتنا عظیم لیڈر نہیں دیکھا. آئیں آگے دکھاتے ہیں قائد اعظم نے کس کس موقع پہ کہاں کہاں امت مسلمہ کے لیے سٹینڈ لیا. اسی طرح 1945 میں برٹش پرائم منسٹر ایٹلی کو ایک خط لکھا آپ نے قائد اعظم نے, اور اس میں لکھتے ہیں President Truman's reported Palestine immigration proposal is unwarranted, encroaching upon another country, monstrous and highly unjust. دیکھیے الفاظ, دیکھیے قائد اعظم اتنے شدید الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جو امریکیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مسلمان ملکوں میں یہودیوں کو آباد کیا جائے فلسطین میں لے جا کے, یہ مانسٹرس ایک خوفناک انتہائی ظالمانہ قسم کا ایک قدم ہے. Any departure from the white paper and Britain's pledge will not only be a sacrilege and a breach of faith with Muslims, India, but an acid test for the Britain, for the British honor. It is my duty to inform you that any surrender to appease Jewry at the sacrilege of the Arabs would be deeply resented and vehemently resisted by the Muslim world and Muslim India, and its consequences will be most disastrous. یعنی اگر یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے تم نے کوئی کام کیا تو دھمکی قائد اعظم انگریزوں کو اس وقت یہ دے رہے ہیں کہ پورے مسلم انڈیا میں جو ریزلٹس ہوں گے دل بی موسٹ ڈیزاسٹرس, تم رو گے اس ان ریزلٹس کو کہ جو مسلمان انڈیا اٹھ کھڑے ہوں گے ہندوستان کے مسلمان فلسطین کی حمایت میں اور یہودیوں کے خلاف. دیکھیے قائد اعظم واز ٹیکنگ اے ہیڈ آن کولیژن ود دی جیوز ایون ایٹ دیٹ ٹائم, یہودیوں کے خلاف اتنا سخت سٹینڈ آج بھی امت مسلمہ کے سربراہ نہیں لے پاتے جتنا 1945 میں قائد اعظم نے لیا ہوا تھا. یہ کوئی سیکولر آدمی کرے گا یہ, یا ایک پین اسلامک ریولوشنری لیڈر یہ بات کرے گا؟ آئیے اور سناتے ہیں آپ کو. اسی طرح جب دوسری جنگ عظیم میں روسیوں نے اور انگریزوں نے ایران پر قبضہ کر لیا تو قائد اعظم نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور اس کو انپرووکڈ ایگریشن کہا. ایسا ظلم کیا تم لوگوں نے جس کی کوئی مثال نہیں ہے, نہیں شدید الفاظ میں قائد اعظم نے تنقید کی اس کے اوپر. اگین یاد رکھیے گا یہ دوسری جنگ عظیم کا وقت, 1945 پاکستان بنا بھی نہیں ہے, مسلمان کمزور ترین ہیں انڈیا میں, اس کے باوجود کانفیڈنس دیکھیے اس شیر اور دلیر کا, اس غیرت مند مجاہد کا کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ایشو ہے چاہے فلسطین کا ہو چاہے ایران کا قبضہ کیا جائے. اور دیکھیں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے کتنے دلیرانہ اسٹیپس لیے. فلسطین کے حوالے سے تو خاص طور پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ قائد اعظم کے دل کے بہت قریب تھا, کیونکہ مسلسل ہی وہ اسپیکنگ اگینسٹ دی جیوز, یہودیوں اور زائنس کے خلاف تو وہ شدید بات کر رہے تھے. باقاعدہ انہوں نے اسرائیل کی ریاست کو کہا کہ ڈیگر ان دا ہارٹ آف دا مسلم, یعنی مسلمانوں کے دل میں خنجر ہے. ایک جگہ پہ فرماتے ہیں آئی اسٹل ہوپ دیٹ دا پارٹیشن پلان ول بی ریجیکٹڈ, ادروائز دیر از باؤنڈ ٹو بی دا گریویسٹ ڈیزاسٹر اینڈ انپریسیڈنٹڈ کانفلکٹ. دا انٹائر مسلم ورلڈ ول ریولٹ اگینسٹ سچ اے ڈیسیژن. پاکستان ول ہیو نو کورس ادر کورس لیفٹ بٹ ٹو گیو اٹس فلسٹ سپورٹ ٹو دی عربز اینڈ ول ڈو وٹ ایور لائز ان اٹس پاور ٹو پریوینٹ واٹ ان مائی اوپینین از این آؤٹریج. پاکستان بننے کے بعد جب اسرائیل کا قیام آ رہا تھا تو قائد اعظم نے اتنے شدید الفاظ میں اس پہ تنقید کی. اور دیکھیں یہی وجہ تھی کہ ڈیوڈ بن گوریان جو فاؤنڈنگ فادر تھا اسرائیل کا, اس نے پہلا کام نصیحت جو اپنی نسل کو قوم کو کی وہ یہ کہ تم پاکستان سے ہمیشہ دشمنی رکھنا اور ہر حال میں پاکستان کو ختم کر دینا, کیونکہ ہمیں عربوں سے خطرہ نہیں ہے اب پاکستان سے خطرہ ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ قائد اعظم نے شروع میں ہی پاکستان بننے سے پہلے بھی اور بننے کے بعد بھی شدید ترین مخالفت کی اسرائیل کی, اور کسی صورت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا, بلکہ یہ کہا کہ پوری مسلمان دنیا اور خاص طور پہ پاکستان پوری مسلمان دنیا کا ساتھ دے گا, عربوں کا ساتھ دے گا, فلسطینیوں کا ساتھ دے گا اسرائیل کو تباہ برباد کرنے میں. یہ تھریٹ قائد اعظم دے چکے ہیں, یہ تھریٹ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے دیا ہے, ہمارے ان بزرگوں لیڈرز نے دیا ہے جو مسلمان دنیا کی فورن پالیسی اس وقت مرتب کر رہے ہیں, جو اعلیٰ ترین عظیم ترین اسلامی ریاست کے طور پر جو پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں. مدینے کی ریاست ہے, آج اس خیبر کا نام اسرائیل ہے, مدینہ ثانی پاکستان, اور اس کی بنیادوں میں قائد اعظم نے یہ بات, اس کے ڈی این اے میں, اس کے خون میں یہ بات ڈال دی تھی قائد اعظم نے کہ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. بریلینٹ آنریبل ڈگنیفائیڈ پین اسلامک لیڈر قائد اعظم. آئیے کچھ اور مثالیں دیتے ہیں. صرف مسئلہ فلسطین نہیں, پاکستان بننے کے بعد ہالینڈ نے انڈونیشیا پہ حملہ کر دیا. قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ انڈونیشیا پہ حملہ نہیں ہوا ہے, پاکستان پر حملہ ہوا ہے. اور ہالینڈ کے جو جہاز جو پاکستان کے قریب سے گزرا کرتے تھے, قائد اعظم نے ان جہازوں کو روک لیا اور پوری مدد کی انڈونیشیا کی اس جنگ میں
جنگ آزادی میں اور اس اگریشن کے خلاف جو ہالینڈ نے انڈونیشیا کے خلاف برپا کی تھی. یاد رکھیے یہ قائد اعظم جو پاکستان بننے کے 1.5 سال بعد انتقال فرما چکے. پاکستان بنتے ہی آپ نے کشمیر میں جہاد کا آغاز کیا, فرنٹیئر سے مجاہدین بلائے, جو رضاکار دستے آپ کو مل سکتے تھے کشمیر آزاد کرانے کے لیے آپ نے آخری دم تک جنگ کی اور فرمایا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے. جب لوگ اس وقت پاکستان کا حال یہ تھا کہ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے, لیکن اپنی عزت آبرو آنر اور ڈگنیٹی کے لیے آپ نے کشمیر کو, جس کو آپ نے اپنی شہرت کہا, اس کو ہندوستان سے چھڑانے کے لیے آپ نے فوجیں داخل کی. سائملٹینسلی فلسطین کے مسئلے پہ ان کی مدد کر رہے ہیں, براہ راست یہودیوں سے ٹکر لی جا رہی ہے, ساتھ ساتھ انڈونیشیا کی سپورٹ جا رہی ہے, اور ساتھ ساتھ جہاں پوری دنیا میں مسلمان ممالک اس وقت تحریک آزادی کی جنگیں لڑ رہے تھے, جس کے اندر انڈونیشیا, ملایا, سوڈان, لیبیا, تونیسیا, موراکو, نائجیریا, الجیریا, ان تمام تحریک آزادیاں جو پوری دنیا میں مسلمان, قائد اعظم نے پوری سپورٹ ان کو دی, ہر طرح سے, ڈپلومیٹک سپورٹ ہو, پولیٹیکل سپورٹ ہو, ملٹری سپورٹ اگر جس حد تک ہو, یا اکنامک سپورٹ جو بھی پاکستان اس حالت میں ان کو ساتھ دے سکتا تھا. قائد اعظم نے پوری کوشش کی کہ مسلمان دنیا کو اکٹھا کر کے اس پلیٹ فارم پر لے آئے کہ جو عالم اسلام کی عظیم ترین طاقت کو زیب دیتا ہے کہ امت مسلمہ کی قیادت کرے. اور حقیقت میں ہمیں نظر ہی یہی آتا ہے کہ اس وقت پوری مسلم دنیا کی قیادت بھی قائد اعظم کے پاس تھی. قائد اعظم واز ٹیکنگ ایوری ایشو جو مسلم دنیا کو پرابلم درپیش, باقی مسلمان ملک تو آزاد ہی نہیں تھے, جو تھے وہ اتنے کمزور تھے. اور پاکستان ایک ریاست بننے کے بعد کسی صورت قائد اعظم نے یہ انتظار نہیں کیا کہ ابھی انگریزوں سے, امریکیوں سے, مغرب سے تعلقات ٹھیک کر کے رکھو کیونکہ پاکستان کمزور ہے, کچھ بھیک مل جائے گی. اپنی عزت, اپنی غیرت, اپنے وقار پر کبھی سودا نہیں کیا. پاکستان بننے سے پہلے ہی انہوں نے براہ راست تصادم لے لیا تھا مسلمانوں کے ایشوز پہ, تو پاکستان بننے کے بعد تو الحمدللہ ایک ریاست تھی ہمارے پاس. اور یاد رکھیے یہ وہ قائد اعظم ہے کہ جب گورنر جنرل ہاؤس کے لیے 30-35 روپے کا فرنیچر خرید کے لایا گیا تو آپ نے اس میں ایک لسٹ جو منگوا کے چیک کی تو اس میں ایک کرسی کے اضافی تھی, اور وہ 5-6-7 روپے کی کرسی جو محترمہ فاطمہ جنہوں نے اپنے استعمال کے لیے منگوائی ہے, جو بہن, جو گورنر جنرل کی بہن ہے, ساتھ رہتی ہیں, خدمت کرتی ہیں, قائد اعظم اس پر کاٹ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے پیسے فاطمہ جنہ سے لو, مسلمانوں کے بیت المال سے اس کے پیسے نہیں دیے جائیں گے. یہ وہ گورنر جنرل ہیں کہ جب ان کے لیے 1.5 روپے کا موزہ خرید کے ان کے ڈاکٹر لے کر آ گئے تو واپس کر دیا, یہ کہہ کر کہ مسلمان قوم کے, غریب مسلمان قوم کے سربراہ کو زیب نہیں دیتا کہ 1.5 روپے کا موزہ پہن لے. اتنا مہنگا موزہ کیسے پہنے؟ اپنی تنخواہ مقرر نہیں کی, مفت میں کام کیا, 1 یا 1.5 روپیہ تنخواہ اپنے مقرر کی اپنی, صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. اور جب حال یہ ہے غیرت کا, عزت کا اور ڈگنیٹی کا, کہ جب انگلینڈ کے سفیر نے قائد اعظم سے کہا کہ بادشاہ کا بھائی آ رہا ہے, آپ اس کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ چلے جائیں, تو قائد اعظم بڑے جلال میں کہتے ہیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بادشاہ کے بھائی کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے میں, شرط میری صرف یہ ہے, میں ایک شرط لگاتا ہوں کہ جب میرا بھائی انگلینڈ جائے گا تو وہاں اس کو بادشاہ ریسیو کرے گا. یہ تھی غیرت, یہ تھی ڈگنیٹی. اور یہی بات آگے ایکسٹینڈ ہوتی ہے لیاقت علی خان میں بعد میں, کہ جب اسرائیلیوں نے, یہودیوں نے پوری دنیا کی دولت لا کے لیاقت علی خان کے سامنے رکھی اور یہ کہا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں, تو لیاقت علی خان جو اسی تربیت یافتہ تھے قائد اعظم کے, تاریخی جملہ فرماتے ہیں اسرائیل کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہ جینٹلمین, آر سولز آر ناٹ فار سیل, ہماری روح بکنے کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے پڑے تھے. خواتین حضرات, آج اگر ہم پاکستان کو عروج پہ لے جانا چاہتے ہیں تو ہم کو نہ صرف علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے, ہم کو قائد اعظم کے ویژن کی ضرورت بھی ہے. ہمیں 1948 کا پاکستان چاہیے, وہ پاکستان جس میں جب کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے تو قائد اعظم کے ADC نے پوچھا کہ جو وزراء آ رہے ہیں, جو وزیر آ رہے ہیں, ان کو چائے کے ساتھ کیا دیا جائے, تو قائد اعظم بڑے جلال میں پوچھتے ہیں کہ کیا یہ گھر سے کھا کے نہیں آتے ہیں؟ بیت المال کا پیسہ, مسلمانوں کا پیسہ ان وزیروں کو کھلانے کے لیے نہیں ہے. یہ وہ قائد اعظم جن کا میرٹ, جن کی انٹیگریٹی, جن کا آنر, جن کا کریج, جن کا پوری مسلمان دنیا کے لیے درد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق, اور یہ فرم بلیف اور عقیدہ کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر پاکستان کو ہم نے اس لیے حاصل کیا ہے کہ یہاں ایک تجربہ گاہ بنا کر ایک عظیم ترین اسلامی مثالی ریاست قائم کر سکیں, جو ہمیشہ قائم رہنے کے لیے اللہ کے حکم سے بنا ہے, تاکہ یہ پاکستان آنے والے وقتوں میں وہ شاندار ملک بنے, وہ جس کی سرحدیں اب چوڑی اور پھیلیں گی انشاءاللہ, جس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے, جو عالم اسلام کا مرکز ہوگا, جو ایک مسلمانوں کو ایک کرے گا حرم کی پاسبانی کے لیے, جس کے بچوں کو, جس کے انجینئرز کو, جس کے ڈاکٹرز کو, جس کی سربراہوں کو, جس کی فوج کو سبق پڑھایا جائے گا صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, تاکہ لیا جائے کام ان سے دنیا کی امامت کا. یہ پاکستان بنانا ہے قائد اعظم نے, یہ بنانا چاہتے تھے, یہی اس پاکستان کے قیام کا آپ کا ویژن بھی یہی تھا. اگر قائد اعظم نعوذ باللہ نہ سیکولر تھے, نہ لادین تھے, نہ ایتھیسٹ تھے, نہ ملحد تھے, آج ہم ڈیسائسولی اس ساری خرافات کو دفن کر دیں گے قیامت کے لیے انشاءاللہ.
अपनी अगली नस्ल से हम ये बात करते हैं, बच्चों तुम्हारे लिए आइडियल रोल मॉडल सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान और सुन्नत हमारा रेफरेंस है, हमारा दस्तूर है, हमारा कुरान है, हमारा आइडियल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर जो शख्स कुरान और सुन्नत के जितना नजदीक है, अल्लामा इकबाल ने जो कुछ आइडियोलॉजी दी, जो कुछ विजन दिया, जो फिक्र दी, जो सोच दी, उनकी तमाम शायरी अगर आप ये नोट कीजिए तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं है। अल्लामा इकबाल की पूरी शायरी उस नस्ल के लिए है जिसने पाकिस्तान बनने के बाद आना है। और अब 21वीं सदी के आगाज में जिस पाकिस्तान को हमने अपने तकमील की तरफ लेके जाना है, तामीर तो कर ली पाकिस्तान की हमने, हम उसकी तकमील नहीं कर सके, अब तकमील पाकिस्तान का वक्त है। और तकमील पाकिस्तान का तरीका वही है कि हमने इस पाकिस्तान को इकबाल का पाकिस्तान बनाना है, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का पाकिस्तान बनाना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मदीना सानी बनाना है कि जिसके हां और ना में दुनिया के फैसले होंगे। इंशाल्लाह ये हमारी तकदीर है, हमने इसको हासिल करना है। सिर्फ हाथ पे हाथ रख के ना हम बैठे हैं ना बैठेंगे, हम सिर्फ अजाने नहीं दे रहे हैं, उस अजान को उसकी आखिरी हद तक इंशाल्लाह उसकी तकमील तक भी हमने पहुंचाना है। जो मर्जी कुर्बानी इसके लिए हमें देनी पड़े हम तैयार हैं। इस पाकिस्तान के कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सिपाही और एक मुजाहिद और मुसलमानों के अजीम तरीन लीडर। कायदे आजम से अपनी जिंदगी में बेशक बहुत गलतियां हुई होंगी, हर इंसान से होती हैं, कोई बेगुनाह नहीं, लेकिन जो मोहब्बत और ताल्लुक आपका इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ, जो आपने हक अदा कर दिया, इसकी ताइद अल्लाह ने भी की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की, मुसलमानों ने भी की, और बड़े बड़े हमारे फकरा और औलिया और उलमा ने भी की, वो तारीख की ऐसी हकीकत है कि अब ये किसी किस्म के खुराफाती प्रोपेगेंडे से, इस झूठ से, जो कि उस मकर से, इस डिसेप्शन से कि जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता रहा है कि कायदे आजम एक सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे, इंशाल्लाह इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज्जत और जिल्लत अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने कायदे आजम को इज्जत दी, इन पर कीचड़ उछालने वालों को अल्लाह रुस्वा करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।